तो मैं आज के जो गेस्ट हैं वो वैसे तो इंडिया के हैं, बट इंडिया के महाराष्ट्र से उनका उनका जन्म और जो पढ़ी लिखी हैं, बड़े हुए हैं, वो सब यहाँ महाराष्ट्र से हुआ है। बट उनकी शादी होने के बाद वो चले गए दुबई, दुबई सेटल हो गए थे, बट रिएक्शन के थ्रू आज उनको वापिस इंडिया में आने का मौका मिला। और इंडिया के बहुत सारे लोगों के साथ हमेशा वो जुड़े रहते हैं, लेकिन उनका फैमिली रिएक्शन इंडिया में ही है, इंडिया में महाराष्ट्र में है, वो हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं। तो मैं टाइम ना गवाते हुए आज की जो स्पेशल गेस्ट जो दुबई यूएई से हैं, वो लाइव हमें यहाँ पे दुबई से लाइव रहेंगी, और वो जो गेस्ट है उसमें उनका इंट्रो मैं देना चाहूंगा। दोस्तों, वो जो हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं, उन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड इंटरनेशनल से, जो कि शहनाज हुसैन का है, वहां से उन्होंने डिप्लोमा हासिल किया है ब्यूटिशियन कोर्स का। वो करने के बाद उन्होंने खुद के अपने ब्यूटी पार्लर खोले। अभी प्रेजेंटली दो ब्यूटी पार्लर वो रन कर रहे हैं सक्सेसफुली शारजा के अंदर पिछले 10 साल से। और डिएक्शन में वो जुड़ी थी 2009 में। 2009 में जुड़ने के बाद 11 साल से वो डिएक्शन बहुत ही एक्टिवली डिएक्शन कर रही है, ना केवल यूएई दुबई में, डिएक्शन इंडिया में और डिएक्शन वर्ल्ड में। लगभग डिएक्शन के थ्रू, डिएक्शन के प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए, डिएक्शन के प्रोडक्ट के थ्रू उन्होंने एक नया आयाम, एक नई चीज हम लोगों को दी। डिएक्शन के प्रोडक्ट्स को कैसे आप ब्यूटी में, एक नेचुरल ब्यूटी लाने के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो, उसके लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किए। ना केवल प्रमोट किया, देश विदेश में जाकर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिए किस तरीके से यूज करना है, ये लोगों को सिखाया। बहुत सारे लोगों को अपने खुद के ब्यूटी पार्लर डीएक्शन के प्रोडक्ट यूज करके कैसे खोला जाए, इसके बारे में उन्होंने आज हमें जानकारी दी। पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, इंडिया है, नेपाल है, और पाकिस्तान है, और मलेशिया है, कतर है, बहरीन है, इस तरीके बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, लगभग 20 से ज्यादा कंट्रीज डीएक्शन के थ्रू वो घूम चुकी हैं। दोस्तों, तो आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट है, मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा। वो है हमारी सबसे प्रिय लीडर, सबसे प्रिय वुमन लीडर्स में से एक डीएक्शन वर्ल्ड की, वो है मिसेस रोशना ट्रिपल डायमंड, इंटरनेशनल ब्यूटी कोच एंड वेलनेस ट्रेनर। गुड मॉर्निंग रोशना मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर कमिंग मैम। आपने हमने इनविटेशन दिया और बहुत शॉर्ट नोटिस में आपने एग्री किया और यहाँ पे आए, और हमेशा आप डीएक्शन इंडिया के लिए, हम हमेशा कभी भी पूछते हैं तो आप हमेशा रेडी रहती हैं। जब भी इंडिया में आते हैं, इवन पर्सनल काम के लिए भी आते हैं, तो आप हमें मीटिंग जरूर देते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू एंड वेलकम टू अवर शो डीएक्शन सागा। एंड आज जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत वैसे तो ब्यूटी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लोगों के मन में और जहन में, तो आज जो कुछ क्वेश्चंस आज आपसे पूछेंगे, सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे। जी जी। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, माय नेम इज योगिता अलेक्जेंडर, आई एम फ्रॉम डीएक्सएन पुणे। माय क्वेश्चन टू रोशन आरा मैम इज दैट आर देयर एनी सॉल्यूशन फॉर पिंपल्स बाय यूजिंग डीएक्सएन प्रोडक्ट? क्या डीएक्सएन प्रोडक्ट के उपयोग से पिंपल्स का कोई समाधान है? थैंक यू। तो मैम ये था आपका क्वेश्चन। ओके, गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने कि पिंपल्स के लिए, वो तो आजकल सारे लोगों को पिंपल्स का प्रॉब्लम है ही है, तो उसके लिए हमको जरूरी है कि हम अपना प्रोडक्ट कंज्यूम भी करना जरूरी है। एक्चुअली स्क्रीन शेयर करें तो मैं दिखाना चाहूंगी, डॉक्टर लिम के साथ मैं हूँ जब दुबई आए थे, वो आते रहते हमेशा, एंड ही इज डॉक्टर मिस्टर गनी, फातमी गनी इज माई अपलाइन डाउन लाइन तो नहीं बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स है हम लोग। तो ये मिस्टर गनी के साथ मेरी पिक्चर है यहाँ पर जी। तो ये सारा हमारा प्रोडक्ट्स है, जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसके जो कंज्यूम प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है उसके बारे में है। तो आरजीजीएल, स्पिरिडा, मोरंजी, ये पिंपल्स के लिए जो इन्होंने कहा, तो उसके लिए हमको ये प्रोडक्ट्स यूज करना जरूरी है। जब तक हम इनटेक नहीं करेंगे तब तक डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा। अब पिंपल्स आते क्यों हैं? क्योंकि हॉर्मोन्स चेंज की वजह से भी आते हैं, एज जैसे लड़कियां टीन्स में आती, 16 एज के बाद भी पिंपल्स आना शुरू होते हैं, स्टमक में गर्मी वगैरह की वजह से भी ये पिंपल्स आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी वजूहत है, बहुत सारी लड़कियां जो यंग लड़कियां हैं वो पानी वगैरह बहुत कम पीती है, पानी पीने का तो आजकल वो ही नहीं है, स्टाइल ही नहीं है, ठीक है। तो हमको पानी भी ज्यादा से ज्यादा पीना जरूरी है,
तो ये सारी वजूहात के बिना पर पिंपल्स हमको आती है। फिर डस्ट वगैरह जब हम बाहर जाते हैं तो हम कुछ सन ब्लॉक वगैरह फेस पे नहीं लगाते हैं तो उसकी वजह से भी पिंपल्स आना शुरू हो जाती है। तो हमको अपने स्किन का केयर करना जरूरी है। जब 16-15 की एज में आते तो हमको क्लेंजर टोनर वगैरह करना जरूरी है। तो ये आजकल बहुत कम जो है लोग करते हैं, तो हम लोग को ये जरूरी करना, और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाना भी जरूरी है। सैलड खाना, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाना जरूरी है, और मेन हमारा प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। जैसे स्पिरिना है हमारा, मशरूम पाउडर है, स्पिरिना है, एंड मोरंजी जूस इज गुड फॉर स्किन। दिस इज स्किन टॉनिक, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिसको भी पिंपल्स है, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए भी हमको लेना जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन से भी पिंपल्स होती है। बहुत सारी हम एलोपैथी खा रहे हैं, उसकी वजह से भी पिंपल्स चेहरे पे आती है। तो हमको ये हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना जरूरी है। उसमें हमारा मेन प्रोडक्ट आता है स्पिरिना। ये सब लड़कियों को, सब औरतों को लेना जरूरी है, बिकॉज दिस इज मल्टीविटामिन्स, और ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन करता है, ब्लड की कमी को पूरा करता है, होमोग्लोबिन कम है तो उसको पूरा करता है। तो ये हमको, ये तीन प्रोडक्ट्स हमको, जिनको पिंपल्स है उनको देना जरूरी है। और उसके साथ में फिर हमको हमारा ट्रीटमेंट कैसे करना है, आज हम सिर्फ बताएंगे, और नेक्स्ट वक्त मिलेगा हमको तो हम करके दिखाएंगे आप लोगों को प्रैक्टिकली कि कैसे उसको इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख चुके हैं, उनको पता है कि हमारा प्रोडक्ट हमको किस तरह से यूज करना है। उसके लिए हमको हमारा जो गैनोजी सोप है उसको इस्तेमाल करना है। ये पिंपल जो क्वेश्चन आया उसके लिए मैं बताने की कोशिश करी। तो हमारा ये गैनोजी सोप है वो हमको यूज करना है। तो हमारी स्किन की, क्योंकि हमारा बॉडी में हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ये हमारा स्किन है, तो उसको हमको बहुत एहतियात से वो करना है, बहुत संभाल के रखना है, क्लेंस भी करना है, पानी भी पीना है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं ये दिखाया है स्किन का, ये तो उसमें एपिडर्मस, डर्मस एंड फैटी टिश्यूज है। फैटी टिश्यूज मतलब वो नीचे की लेयर जो है, मतलब अंदर का थर्ड पार्ट। तो उसके लिए हमको अपना प्रोडक्ट्स यूज करना जरूरी है, पानी वगैरह पीना जरूरी है, और उसके बाद हमारा डर्मस जो है, बीच वाला जो है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन होना जरूरी है। जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारा एपिडर्मस जो है, ये ऊपर की लेयर है, उसमें खूबसूरती आएंगी और आपके चेहरे पे पिंपल्स भी नजर नहीं आएगा और आपका चेहरा क्लीन नजर आ जाएगा, अच्छा होते जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को ये सारी चीजें करना जरूरी है। इसके लिए मैंने अभी पहले ही कह दिया था ना कि हमको पानी पीना जरूरी है, सलाद खाना जरूरी है, वेजिटेबल्स, लेकिन उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, सब सही तरीके से नहीं, उसमें कितने फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले जाते हैं। तो उसके लिए हमको ये भी लेना है, इसके साथ में हमारा जो डीएक्सएन का प्रोडक्ट है उसको भी इस्तेमाल करना जरूरी है। पानी 10 से 12 ग्लास पानी पर डे आपको पीना जरूरी है, 1.5 से 2 लीटर पानी पीना जरूरी है। और इसके साथ में हमको अपना टी है, इंडिया में तो टी है हमारा, गैनो टी है। अगर आप किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हो तो गैनो टी का मैं हमेशा आपको बताती हूँ, 2 से 3 लीटर पानी बॉइल करें, उसके अंदर 1 स्कूप अपना स्पून टी डाल दें, गैनो टी, और उसको स्टीम में पकाएं, और जो स्टीम में पका हुआ पानी रहेगा उसको बॉटल में भर के अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो भी उसको पानी को पीते रहना है हमको, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। हमको पानी पीना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को पानी पीने की अच्छा नहीं लगता, टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, या पानी पीना अच्छा नहीं लगता, तो आप ये चाय बना के पी सकते हो। आपको शुगर डालना है डाल सकते हो, आपको अगर विदाउट शुगर करना है तो विदाउट शुगर भी ले सकते हो, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इट्स वेरी गुड। अभी हाउ टू यूज सोप, हमारे पास हमारा गैनोजी सोप है, तो उसको हमको कैसे इस्तेमाल करना है। ये सोप है गैनोजी सोप, बेचारा खत्म ही नहीं होता, हम कितना यूज करते हैं लेकिन वो मेल्ट ही नहीं होता है। तो इसलिए हमारा सोप बहुत ही अच्छा है, और लोग बोलते हैं महंगा है, तो उनको यही बताना है कि ये महंगा नहीं है, क्योंकि हम जितना भी उसको इस्तेमाल करें, बल्कि हम सोचते हैं कि ये कब खत्म होगा और कब हम दूसरा सोप निकालेंगे। ठीक है, तो हम नहाते भी ये इसी से है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, 0% केमिकल है। और इसको अगर हम अपने चेहरे पे, हमारे घर में तो नहाने के लिए भी यूज होता है, तो हम कितना भी इसको इस्तेमाल करें, 2 सोप हमको नहाने के लिए या अपने चेहरे के लिए बहुत हो जाते हैं। तो आप जब बाहर जाते हो तो भी आपको सोप लेके लगा के अच्छे से मसाज करना है चेहरे पे, रोटेट मूवमेंट्स में हमको मसाज करना है। जितना हम रोटेट मूवमेंट्स में मसाज करेंगे उतना हमारे हाथ की गर्मी से हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे और वो सोप अंदर तक जाके काम करना शुरू करेगा। तो इस तरीके से हमको सोप लगाना जरूरी है और अच्छे से लगाना है, नेक को नहीं छोड़ना है, नेक पे भी लगाना है, चेहरे पे भी, इसी रोटेट मोमेंट्स में, ये तरीका है हमारा लगाने का। तो ये वाला हम बाद में हम करके आपको दिखाएंगे, जब हमको मौका मिलेगा और एक हमारा सेशन होगा सेकेंड पार्ट, तब हम करके दिखाएंगे आपको।
तो इस तरह से हमको सोप लगाना है। अब मार्केट के जो सोप होते हैं आप अपने चेहरे पे रख सकते हो? नहीं, अगर हम चेहरे पे रखेंगे, अभी मुझे क्वेश्चंस करने नहीं मिले इसलिए मैं उसका आंसर भी मैं ही दे रही, क्वेश्चंस भी मैं ही करी। अगर हम बाहर के जो सोप लगाते हैं तो हम चेहरे पे लगाएंगे तो ईचिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है, और हमारा स्किन बहुत ड्राई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा जो गैनोजी सोप है इसको अगर हम चेहरे पे लगा के 15 से 20 मिनट अगर लगा के छोड़ देते हैं दैट इज गुड, क्योंकि वो हमारे पोर्स ओपन होके अंदर तक जाके काम करना शुरू करेगा डर्मस के अंदर। तो जब डर्मस में काम करेगा तो अंदर की जो गंध होगी उसको पूरा निकालने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से हमको अपना सोप लगाना है और उसको 15 मिनट 20 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद हम अपना चेहरा वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद हमारे पास हमारा बहुत ही अच्छा पिंपल का सॉल्यूशन बोलेंगे, पिंपल्स का क्रीम बोलेंगे, जो हम जाके बाहर से खरीदते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो वो खरीदने से अच्छा हमारे पास बहुत ही अच्छा हमारा सॉल्यूशन है, हमारा गैनोजी टूथपेस्ट। अब लोग बोलेंगे, जो नए लोग देख रहे हैं यहाँ पर उनको तो पता नहीं इसके करामात क्या है, वो लोग पूछेंगे ये क्या है गैनोजी टूथपेस्ट और चेहरे पे क्यों लगाए। तो इससे इसमें मिंथॉल है और इसके अंदर गैनोडर्मा है जो हमारे जख्मों को सुखाता है और हमारे स्किन को बहुत ही ये करता है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है, इसको लगाना डायरेक्ट लेके हमको चेहरे पे नहीं लगाना है। इसके साथ इंडिया में तो ये है, दुबई में भी है चेबी बेबी चेबी ऑयल, बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है, बेचारे लोगों को अभी प्रमोट किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो ये हमारे पास, ये तो पहले इंडिया में था तो मैंने इंडिया से प्रैक्टिस शुरू की, फिर जब दुबई में आया तो मेरे लिए तो और सोने पे सुहागा हो गया, तो इसके बारे में मैं लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। तो जब भी आप टूथपेस्ट या हमारा जो टी ट्री क्रीम चेहरे पे लगाओगे तो उसके साथ हमको इसको भी डालना है। जिस कंट्री में ये नहीं है वो लोग वाटर के साथ हमारा गैनोजी टूथपेस्ट ले और लगा दे, क्योंकि डायरेक्ट अगर स्किन पे लगाते हैं, हमारा स्किन बहुत डेलिकेट है, चेहरे का स्किन तो बहुत डेलिकेट है, बॉडी का स्किन इतना नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा डेलिकेट हमारे चेहरे का स्किन है और चेहरे से ज्यादा हमारे आईलीड्स और आई ये जो है डार्क सर्कल्स का जो एरिया है वो बहुत हमारा डेलिकेट है। तो उसको हमको बहुत संभाल के लगाना है, संभाल के करना है। तो डायरेक्ट इसको नहीं लगाना है, इसको किसी में मिला के फिर आप पिंपल्स पे भी लगा सकते हो, और जब वॉश करोगे सोप तो इसको पूरा हाथ में मिक्स करना है चेबी ऑयल के साथ और अपने चेहरे पे लगाना है, गर्दन पे लगाना है, अगर हाथ पे भी लगा सकते हो तो लगाओ, और इसको लगा के आप बाहर जा सकते हो। ये सन ब्लॉक का काम करता है, जो हमारा चेबी बेबी ऑयल है सन ब्लॉक का काम करता है, बिकॉज इसमें सन फ्लावर सीड्स का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, अर्क डाला हुआ है, जो हमको यूवी रे से बचाता है, जो हम बाहर जाते सूरज की किरणें जब हमारे चेहरे पे पड़ती है उससे हमको ये बचाता है। तो इसको आप बाहर भी लगा के जा सकते हैं, ये हमारे चेहरे को त्वचा को गोरा करता है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है फिर भी बोल रही थी, त्वचा को गोरा कर देता है क्योंकि उसमें वीट जर्म का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, गेहूं का आटा जो होता है ना वो भी अगर आप चेहरे पे लगाओगे तो आपका एक एज अ मास्क का काम करेगा, तो उसका एक्सट्रैक्ट भी डाला हुआ है, तो वो ग्लो करता है हमारे चेहरे को गोरा करता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है, तो हमारा चेबी ऑयल इज वेरी गुड फॉर स्किन, तो इसको आप इसके साथ में लगा सकते हैं। ये हुआ हमारा ट्रीटमेंट पिंपल्स का। मैडम आपके क्वेश्चन का आंसर मिला आपको या नहीं? अच्छा, ये ट्रीटमेंट जो हम ये अभी स्क्रीन दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो ये टेंथ स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारा सोप जो है टेंथ स्किन के लिए अच्छा है, पिंपल्स के लिए अच्छा है, पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है। मैं आगे जाके पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट दिखाऊंगी, उसके लिए भी हमारा ये सोप यूज करना है। धूप से जो हमारी स्किन ब्लैक हो जाती, टोन डबल टोन होता, उसके लिए भी ये सोप बहुत ही अच्छा है और स्किन को टाइट करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे बहुत सारे लोगों का स्किन पे झुरियां होती है, रिंकल्स होती है, तो जब हम ये सोप लगाते हैं अच्छे से तो हमारी जो रिंकल्स वगैरह वो खत्म हो जाती, एक ही टाइम में, फर्स्ट टाइम में नहीं खत्म होगी, उसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में जब आप सोप लगाओगे ना और छोड़ के बाद में धोओगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा आपकी स्किन कितनी ग्लो हो रही है और स्किन पे कितना चेंज आ गया है। तो सेकंड क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम है पुष्पा माली, पुणे निगड़ी डीएक्सएन स्टॉकिस्ट। मैम मेरा सवाल है आपसे, ये डीएक्सएन के प्रोडक्ट से पिगमेंटेशन के लिए कोई समाधान है? यस मैम। या जी जी जी, अच्छा लगा आपका क्वेश्चन सुन के, क्योंकि ये सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमको पिगमेंटेशन के लिए क्या करना है। पिगमेंटेशन में छाइयां, ठीक है, चेहरे पे जो छाइयां होती, काला अपन यहाँ पर आ जाता है या माथे पे होता है,
बहुत सारे लोगों को ये वाला पार्ट भी पिगमेंटेट हो जाता है ना, तो उसके लिए फिर हमारा जो मैंने ये ट्रीटमेंट बताया, ये जो मैं आज ट्रीटमेंट्स आपको बताया ये मेरे इजाद किए हुए ट्रीटमेंट्स है, ठीक है, मैंने किधर से इधर उधर से नहीं लिए, ये मेरे ही ट्रीटमेंट्स है और मैं लोगों को बताते रहती हूँ। और मैं आज आप लोगों को जो बता रही हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है कि इससे आपका बिजनेस दोगुना हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी इसको ज्वाइन किए हैं आज, बहुत सारे लोगों को मैंने भी मैसेजेस किए थे तो उन लोगों के भी ये आया, तो मैंने कहा ये आप लोगों को नए लोगों के लिए बहुत अच्छा है, तो इससे आप अपना बिजनेस को बहुत बढ़ा सकते हो। तो इसको यूज कर, जब आप इस्तेमाल करोगे, खुद अपने ऊपर इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो हमारा प्रोडक्ट वही है ना, फर्स्ट यूज देन यू शेयर, है ना, और जब आप इस्तेमाल करोगे तो प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स भी हो जाओगे, आपका चेहरा खुद ब खुद ग्लो होने लगेगा, आपकी पिंपल्स खत्म हो जाएंगी, तो लोग सामने वाले पूछना चाहिए कि आप क्या करते हो, हमको अपना प्रोडक्ट्स बेचना नहीं है, वी वॉन्ट टू शेयर अवर प्रोडक्ट्स, हमको लोग देख के पूछना चाहिए आप क्या करते हो, आप क्यों इतना यंग लगते हो, यंग का भी राज बताऊंगी मैं, ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। तो हमको पिगमेंटेशन के लिए जो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह क्या इस्तेमाल करना है, हमारे पास बहुत ही अच्छी चीज है हमारा टी ट्री क्रीम, ठीक है, ये हमारे बुक में भी, बुकलेट वगैरह में भी सब में लिखा हुआ है कि टी ट्री क्रीम, डॉक्टर लिम ने जब हमको बुक भेजा था उसमें यही था कि दिस इज गुड फॉर मॉस्किटो बाइट, है ना, बच्चों को पैम्पर रैशेज आते उसके लिए बहुत अच्छा है और फंगर इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने ऐसे ही बैठे बैठे इसको ट्राई किया, मैं बोली चलो हम देखते हैं ट्राई करके, कुछ तो भी मैं इन्वेंशन करते रहती हूँ, कुछ मिक्स करना कुछ करना ये करते रहती हूँ। तो मैंने एक बार ऐसे ही लेटे लेटे मैंने थोड़ा सा टी ट्री क्रीम लिया अपने हाथ पे, थोड़ा सा गनोजी टूथपेस्ट लिया अपने हाथ पे, एंड वही अपनी जादू की छड़ी जो है चेवी ऑयल, ठीक है, ये तीनों को लेके मैंने अपने हाथ पे ही सिर्फ अप्लाई किया, इस तरीके से सिर्फ अप्लाई किया और छोड़ दिया मैंने, और फिर जब मैं थोड़ा नींद आने लगी तो मैंने थोड़ा सा मसाज किया उसको, तो कुछ डेड स्किन निकलने लगी। तो मैं बोली मैं इतना, हम लोग तो जो वजू करते हैं नमाज के लिए तो हम बार बार हमारा हाथ पैर तो धुलते रहता है, चेहरा धुलते रहता है, मैं बोली जब मैंने अभी धो के मैं सोई हूं तो ये क्यों, ये क्या निकल रहा है, तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये हमारी डेड स्किन को निकालता है, हमारी पिगमेंटेशन है हमारे चेहरे पे या हमारे पूरे बॉडी पे कहीं पर, तो उसको निकालता है, ठीक है। तो इसको फिर मैंने ये किया, मैं बोली चलो इसको हम ट्राई करते, तो मैंने अपने चेहरे पे भी ट्राई किया, एंड यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ना ये हुआ था, जो काली गर्दन होती है ना, थोड़ा बस शुरू होने जा रहा था, तो मैंने वहां पर भी लगा दिया, तो मैंने कहा दिस इज गुड फॉर दैट। तो हमारा जो एल्बोज काले हो जाते हैं, नी काले हो जाते हैं, गर्दन पे कालापन होता है, दैट इज पिगमेंटेशन, ओके, तो वो पिगमेंटेशन चेहरे पे भी होता है। अब चेहरे पे क्यों होता है, क्योंकि हम बाहर धूप में जाते हैं तो हम लोग कुछ क्रीम सनब्लॉक वगैरह नहीं लगा के जाते, तो जो रेज पड़ती है उससे भी हमारी स्किन थोड़ी सी जल जाती है, उसकी वजह से भी होता है। फिर आपका बहुत सारे लेडीज प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से भी होता है, जैसे वाइट डिस्चार्ज वगैरह कुछ है तो उसकी वजह से भी होता है। तो हमको ये ट्रीटमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं बता दूं लोगों को। और एक बार डॉक्टर लिम भी आए थे यहाँ पर दुबई, तो मैंने उनको भी हाथ पे करके उनको कहा कि आप देखिए सर, तो उनको भी लगा कि मेरे प्रोडक्ट्स में इतना जादू है, मुझे नहीं पता था, उनका एक आंसर था मुझे। तो फिर मैंने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो इट्स वेरी गुड। इसको हम लोग को ज्यादा नहीं लेना है, बहुत सारे लोग बोलते, अभी मैंने कहा कि पिगमेंटेशन खत्म होता है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे तो डार्क सर्कल्स को भी हम लगा सकते, हमारे डार्क सर्कल्स भी अच्छे हो जाएंगे, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं करना है, इसको हमको डार्क सर्कल्स के लिए नहीं यूज करना है। आंखों के लिए हमको, बहुत डेलिकेट आंख होती है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगी डार्क सर्कल्स वगैरह कभी आगे जाके। इसको हमको सिर्फ राइस साइज लेना है, वो मैं आपको जब मेरा होगा आगे तब बताएंगे, राइस साइज हमको लेना है सिर्फ हमारा टी ट्री क्रीम, ठीक है, और उसके साथ में हम लोग को पी साइज मटर साइज गैनोजी टूथपेस्ट लेना है, और उसके अंदर दो से तीन से चार ड्रॉप हमारा बेबी चेबी ऑयल लेना है। इन तीनों को अपने हाथ पे लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। अब बहुत सारे लोग एक उंगली से करते नहीं, तीनों उंगली से अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि मिक्सर की तीन वो रहती है ना जो घूमती है, तो तीन उंगली से अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद एक जान हो जाएगा तो हमको अपने चेहरे पे पूरे अप्लाई करना है, नॉट यूज, अप्लाई करना है। जहां पर आपके गर्दन पे भी अगर काले निशान है, हाथ पे भी है, तो आप इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 5 सेकेंड के लिए छोड़ना है, नॉट 5 मिनट, क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी गलती से कुछ ऐसे करो। 5 मिनट के लिए नहीं छोड़ना है, 5 सेकेंड के लिए छोड़ना है।
उसके बाद हमको मसाज करना शुरू करना है। जब 5 सेकेंड के लिए छोड़ोगे और मसाज करोगे, एक नीचे टिश्यू रखना है। आप लोगों ने मेरे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स देखे होंगे, जिन्होंने देखा है, मैं जब आके की थी, सामने जब दिखाई थी, तो एक टिश्यू रखना सामने, या कुछ कुछ व्हाइट कपड़ा होगा उसको रखना, और फिर आप मसाज करते रहोगे। अच्छे से हल्के हाथ से मसाज करना है, ठीक है। हमारे चेहरे की स्किन को हमको जोर से मसाज नहीं करना है, बहुत लाइटली स्मूथली करना है। तो इस तरीके से आप जब मसाज करोगे तो उस व्हाइट कपड़े पे या आपके टिश्यू पे पूरा डेड स्किन नजर आएगा, ब्लैक ब्लैक आपको नजर आएगा। तो वो जो है आपका जो पिगमेंटेशन है, जो डेड स्किन है, वो निकलते जा रही है। तो इस तरीके से हमको इसको अप्लाई करना है। अगर रात को आप अप्लाई करके सो जाते हो और सुबह में उठ के हमारा ग्रैनोजी सोप लेके रात को लगा के सो जाना, ये करके मसाज करके छोड़ देना उसको, ताकि वो पूरी रात आपके चेहरे पे रहे और आपको काम ये करे। उसके बाद सुबह में उठने के बाद ग्रैनोजी सोप लेना है, उसको अच्छे से वही झाग निकाल के अच्छे से मसाज करके लगा के छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। फिर वॉश करके वही टूथपेस्ट और ये लगाओगे, आपको सेम टाइम नजर आएगा कि कितना रिजल्ट आया है, कितना कम हुआ है। एक साथ में तो पूरा पिगमेंटेशन खत्म नहीं होगा, लेकिन उसी वक्त आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन में कितना ग्लो आया है। यही हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट्स में कमाल है। इट इज मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है, हमको डरना नहीं है, हमको सामने वाले को डराना नहीं है, बस बिंदास होके सबको देना है, लेकिन तरीका सही बताना है। अगर मैंने कहा राइस साइज तो राइस साइज, बहुत सारे लोग बहुत भर के पूरा लाइन निकाल के लगाते, इट्स नॉट गुड फॉर स्किन, हमको इतना सारा नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट का मैंने बताया। समझ में आया जिनका सवाल था, थोड़ा सा आइडिया सबको लगा होगा, और आई थिंक मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकल होगा तो थोड़ा और समझ में आएगा। अभी थ्योरेटिकल बहुत सारी चीजें होता है ना, जब हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो थ्योरेटिकल समझ में तो आ जाता है, हाँ ऐसा ऐसा होता है, बट प्रैक्टिकल और दिखता था, अच्छा ऐसा होता है क्लियरली जब मेरे को मालूम चलता है। तो नेक्स्ट शो में जितने लोग आज हैं और वो सभी लोग जुड़ेंगे तो उनको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आई थिंक सो, एंड थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल गया क्योंकि आप बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। ओके तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। गुड मॉर्निंग रोशन आरा मैडम, मी पुण्यातून कल्पना रणपिसे स्टार डायमंड बोलत आहे। माझा प्रश्न असा आहे की डीएक्सएनच्या उत्पादनाच्या वापराने केस गळतीसाठी काय उपाय आहेत काय? काय म्हणते हा मराठी समजात येतो म्हणा, पण एकदम प्रॉपर मराठी नाही बोलत हा, बिकॉज महाराष्ट्राची मुलगी आहे आणि बिहारची बहू आहे हेअर फॉल के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है हर जगह पर, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओ, हेयर फॉल्स तो होते ही रहते हैं, बाल गिरने का सबको प्रॉब्लम है। और सॉल्यूशन क्या है? फिर हम बहुत मार्केट में शैम्पूज आते हैं, बहुत मार्केट में ऑयल्स आते हैं, वो लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लगाने से हमको हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और अभी तो जमाना ऐसा है ना कि मुझे याद है कि जब हमारी दादी हमको बालों को कुछ करती थी, नारियल का दूध निकाल के वो हमारे बालों में लगा के मसाज करके छोड़ देती थी, फिर हम नहाते थे, तो हमारे बाल अभी तक बहुत अच्छे हैं। तो ये चीज होती थी। अभी बच्चों को बोलते हैं कि चलो ऑयल लगाओ बालों में, तो बोले नहीं हमको नहीं लगाना है, चिपचिप लगेंगे, या मिस चिपको बोलेंगे हम कॉलेज जाएंगे या स्कूल जाएंगे, तो हमको नहीं लगाना है। तो ये बहुत दुनिया में ये सब होते ही आ रहा है। तो अभी हम लोगों को ये है कि हम लोगों को ऑयलिंग करना जरूरी है। आपको ये नहीं कहा जाता कि आप लगाओ और पूरा छोड़ दो, पूरा हफ्ता के हफ्ता छोड़ दो, नहीं, ऑयल लगा के छोड़ना भी नहीं। अगर ऑयल लगा के छोड़ दोगे तो डैंड्रफ आना शुरू हो जाएगा। तो हमको ऑयल लगाना है, 1 घंटे में आप वॉश करो, 1 घंटा ही रखो आप अपने बालों में, तो ये करना है। फिर हमारे पास देखिए बहुत सारे ऑयल्स, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल आया है, ये है अपने पास इंडिया में, हमारे पास भी यहाँ पर है। तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, मैंने जैसे कहा दादी हमको दूध निकाल के लगाती तो ये दूध ही हुआ, ये वही वर्जिन कोकोनट ऑयल, मतलब ये जो व्हाइट अंदर का पार्ट होता है उसी से बना हुआ ऑयल है, ठीक है। तो इसको हमको लगाना है। तो फॉलिंग हेयर का ट्रीटमेंट बहुत इजी है, और बहुत सारे, मैं अभी पिक्चर आपको दिखाऊंगी, मैं बोलती मेरे गंजों के सर पे बाल आ गए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर पे बाल गिरने के बाल बंद होके नए बाल भी आ गए हैं, और बहुत सारी लेडीज है जिन्होंने ये ट्रीटमेंट किया। मैं पूना से ही, अभी आप बात करी तो पूना में भी मैं लास्ट टाइम आई थी मेरे ख्याल से 2019 में, तब मैं, मेरा मीटिंग था वहां पर, तो एक लेडी बहुत खुशी खुशी आई मेरे पास, मैडम देखिए मेरे बाल कितने अच्छे हो गए, इतना ये हुआ, मैं आपसे मिली नहीं लेकिन मैंने आपका ट्रीटमेंट यूट्यूब में देखा
और मैंने करना शुरू किया तो मेरे बाल बहुत ही अच्छे घने भी हुए और स्ट्रांग भी हो गए और बहुत चमकीले बाल। मैंने मेरी वीडियो है, आप देखोगे तो पता चलेगा। तो ये ट्रीटमेंट आपको बालों के लिए कैसा करना है, ठीक है? तो इसके लिए मेरा ट्रीटमेंट है हमारा गैनो ऑयल। पहले तो हमारे पास कोकोनट वर्जिन ऑयल नहीं था तो हम गैनो ऑयल ही यूज करते थे, लेकिन आप लोग बहुत लकी हो, आप लोगों के पास नीली ऑयल है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और बाहर कंट्रीज वाले थोड़ा सा अफसोस मत करना क्योंकि ये उनके पास नहीं है, मेरे पास सारी चीजें होती है, मैं लेके आती हूँ अपने लिए जो अच्छा लगता है वो। तो नीली ऑयल है हमारे पास, दिस इज वेरी गुड। तो मैं अभी मिक्सिंग आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? नीली ऑयल है अभी यहाँ पर जो स्क्रीन में दिखा रहा है, कुछ दुबई के भी प्रोडक्ट्स है, कुछ इंडिया के भी है। तो गैनो ऑयल लेना है 1 स्पून, 1 स्पून नीली ऑयल लेना है और 1 स्पून हमको कोकोनट वर्जिन ऑयल लेना है। ये तीनों ऑयल को हमको एक साथ मिक्स करके आप अलग बॉटल में रख सकते हो, अगर आपके पास ये बॉटल है या आपके पास ये बॉटल है तो उसमें मिक्स करके तीनों को रख दीजिए आप। और उसके साथ में फिर आपको इसके अंदर, अगर आप ले रहे हो उसको, 1 स्पून इसके अंदर डालना है, वो पूरा जो मिक्सिंग की है ऑयल का उसको 1 स्पून आपको ये बॉटल में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके अंदर, ये बॉटल में हमको सारी चीजें डालना है। इसके अंदर आप 1 स्पून ये तेल डाल सकते हैं, मिक्स किया ऑयल सब है वो डाल सकते हो। 1.5 इंच आपको गनोजिक टूथपेस्ट डालना है, ठीक है? उसका क्यों डालना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके साथ 1 स्पून आपको पानी डालना है और फिर हमारे पास एक गैनोजिक शैम्पू है, उसको 1 स्पून हमको गैनोजिक शैम्पू इसके अंदर डालना है। इन सारी चीजों को इसके ये बॉटल के अंदर या आपके पास जो भी होल वाली बॉटल होगी उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है, नाइसली अच्छे से शेक करना है। एक टाइम के लिए ही बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है, बना के रखना नहीं है आपको, एक टाइम के लिए आपको बनाना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको अच्छे से शेक करना है और फिर जब ये खोलेंगे तो जब हम अपने बालों में डालेंगे तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा 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 करके गिरेगा, ठीक है? वो लगाने के बाद आप अपने बालों में उसको अच्छे से लगाने के बाद फिंगर टिप से मसाज करना है, दिस इज फिंगर टिप्स। हाथों से मसाज नहीं करना है, इससे मसाज नहीं, ऐसे ऐसे मसाज नहीं करना है, फिंगर टिप से मसाज करना है इस तरीके से। बिल्ली पंजा मारती है ना बालों में, वैसे पूरा अंदर तक जाना चाहिए और इस तरीके से हमको पूरे बालों में ये डाल के मसाज करना है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज हमको पूरे बालों में इससे मसाज करना है। यहाँ तक कि हमको ये वाला पोर्शन भी हमको मसाज देना है क्योंकि ये वाला जो हमारी रगे होती, वेन्स होती है वो जैम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, उसकी वजह से हमको ये वाला भी हमको मसाज देना है इसको। और फिर जैसे यहाँ पर रीढ़ की हड्डी है पीछे, उसमें भी मसाज देना है, ये मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगी। ये वाला हमारा मसाज सिस्टम है, बहुत ही अच्छा। जैसे पार्लर वाली अगर लेडीज देख रही यहाँ पर मुझे, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने पार्लर में ये ट्रीटमेंट जरूर करें ताकि आपके कस्टमर्स बढ़े और आपका बिजनेस भी अच्छा चले। तो ये बहुत ही अच्छा है पार्लर्स के लिए। उसके बाद आप मास्क भी लगा सकते हैं, तो वो हम बताएंगे मास्क कैसे लगाना है। इसको लगा के आपको 1 घंटा छोड़ देना है, पूरी रात लगा के छोड़ने की जरूरत नहीं है, तकिया खराब होगा ये होगा, तो उससे अच्छा आप लगा दो जब आपको नहाने जाना है, 1 आवर बिफोर आप यूज एंड देन लीव इट, एंड उसके बाद जाके आप 1 घंटे के बाद उसको वॉश करना है। अब वॉश करने के लिए आप जब पानी डाल दोगे, शावर करोगे, पानी डालोगे अपने सर पे और रिंस करोगे तो खुद ब खुद शैम्पू निकल आएगा क्योंकि इसके अंदर हमने शैम्पू भी डाला है, सही है? तो खुद ब खुद आपको शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है, पानी थोड़ा सा बालों में डालना है और जब रिंस करोगे तो बालों में खुद ब खुद शैम्पू आएगा, मतलब जो ऑयल है उसको लेके वो शैम्पू निकल जाएगा, ठीक है? तो आपको उसके बाद शैम्पू, मर्दों को तो जरूरत पड़ती नहीं है लेकिन अगर औरतों के घने बाल है तो थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा, तो फिर से थोड़ा सा शैम्पू लेके लगा के रिंस करके फिर वॉश कर देना है। तो ये ट्रीटमेंट आपका इसका है, फॉलिंग हेयर का। ये मैंने सिंपल ट्रीटमेंट दिखाया है, उसके बाद मेरा मास्क वाला भी ट्रीटमेंट है, फिर टॉवल स्टीम भी देना है उसमें, तो दैट इज डिफरेंट ट्रीटमेंट, ठीक है? जैसे ये ऑयल आपने मिक्स किया है, सारे ऑयल्स इसमें मिक्स किए, शैम्पू विदाउट शैम्पू, शैम्पू टूथपेस्ट इसमें कुछ नहीं है, ये ऑयल जो मिक्स किया है आपने वो ऑयल को आपको बालों में कॉटन के थ्रू लगाना है, कॉटन के जरिए आपको बालों में लगाना है, एक एक मतलब जैसे बालों की वो ये निकाल के उसमें इस तरीके से टैप करके लगाते जाना है, पूरे बालों में आपको लगाना है, फिंगर टिप से अच्छे से मसाज करना है और हॉट टॉवल का स्टीम देना है, गर्म पानी। बहुत सारे पार्लर्स में देखो, पार्लर्स वाली लेडीज अगर मुझे देख रही तो बोलेंगी हमारे पास तो स्टीमर है, हम स्टीमर से क्यों नहीं दे, क्यों हॉट टॉवल को निचोड़े और करते जाए, ठीक है? तो दैट स्टीमर्स, दिस इज नॉट गुड फॉर दिस ट्रीटमेंट।
वो अच्छा है, आप हमाम मगरिबी, हमाम जैद, सॉरी क्रीम मसाज वगैरह करते हो ना, जो बालों के लिए क्रीम्स मसाज, आजकल क्रीम्स वगैरह बहुत निकले हुए हैं, तो मेरा थोड़ा सा, मैं पार्लर के हिसाब से बात की, यहाँ पर जो यूज होता है, तो वो क्रीम लगा के जब हम मसाज करते हैं उसके लिए दैट स्टीमर इज गुड, इलेक्ट्रॉनिक जो स्टीमर होता है, लेकिन ये जो हमारा ट्रीटमेंट है उसके लिए हमको पानी अच्छे से बॉयल करना है, और उसके अंदर बकेट में पानी लो या बाउल में पानी लो, और उसके अंदर आप टॉवल को डीप करो, निचोड़ो और उसको रखो, तो जब आप रखोगे तो जो ऑयल लगाया है वो पूरे पोर्स ओपन हो गए और अंदर तक जाके काम करना शुरू करेगा, ठीक है, पोर्स ओपन होने के बाद, और फिर उसको ये करना है, फिर उसको जब टॉवल, तीन बार टॉवल रखे गर्म टॉवल से करोगे तो हो जाएगा, फिर उसके बाद हमको बालों को वॉश करना है, नहीं उसके बाद हमको मास्क लगाना है, मास्क के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है वही यूज करना है, आप लोग खाने के लिए ये यूज करते हो, मशरूम पाउडर, स्पिरिना यूज करते हो, और ब्लैक कॉफी इज वेरी गुड फॉर हेयर, वो यूज करते हो, और जो अंडा लगाते हैं, जो अंडा खाते हैं बालों में लगाने के लिए कोई वैसे कुछ नहीं, लेकिन अगर वेजिटेरियन हो तो एग नहीं लगाना है, सोया का पाउडर लेना है एग की बजाय, और जो एग लगाते हैं बेस्ट फॉर स्किन एंड बेस्ट फॉर हेयर एग, ओके, तो एग लेना है, 2 टेबल स्पून हमको कर्ड योगर्ट लेना है, उसके अंदर हमारा मशरूम पाउडर 1 स्पून, 3 से 4 स्पिरुलिना, आपके पास तो कैप्सूल्स है, कैप्सूल्स को खोल के डाल सकते हो, और 1 सैशे पूरा ब्लैक कॉफी का हमको उसके लिए लेना है, और उसको अच्छे से अगर ये बाउल है तो उसके अंदर डाल के मिक्स करना है और जड़ों में लगाना है। बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि बालों में हमको नीचे लगाना है ऑयल या नीचे लगाना है सब कुछ, नहीं, दैट इज रॉन्ग, हमारी जड़ें मजबूत होगी तो हमारे बाल भी शाइन होंगे, घने लगेंगे और खूबसूरत लगेंगे, तो उसके लिए हमको सिर्फ जड़ों में लगाना है। जब आप जड़ों में ये सब चीजें करोगे, जैसे पानी, हम मनी प्लांट है या प्लांट्स को पानी हम कहाँ देते हैं, जड़ों में देते हैं, हम ऊपर तो स्प्रे करते हैं सिर्फ, ठीक है, तो हम लोग को जड़ों में पानी देने के लिए हमको यही चीज करना है कि हमारा ये जड़ें मजबूत करनी है, जब आपकी ये जड़ें मजबूत होंगी तो आपके बाल ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे। और औरतें जब बाल धोती है, धोने के बाद सीरम निकला हुआ है ना आजकल, तो कितने मार्केट में क्या क्या चीजें जितनी निकलेंगी उतनी हम यूज करना शुरू करते हैं, सही है, तो सीरम लगाने का स्टाइल है, सीरम इसलिए लगाना है कि आपके बाल थोड़े से शाइन हो जाए, जब आप ब्लो ड्राई वगैरह कर रहे तो आपके बाल शाइन होना चाहिए, तो हमारे पास सीरम है, डॉक्टर लिम ने हमको सीरम दिया हुआ है, लेकिन क्या है, कहाँ है, कौन सा है, हम सोचते रहते ना, हमारे पास सीरम बहुत ही अच्छा है, बेबी चेवी ऑयल, ठीक है, इसको लेना है और इसको आपको थोड़ा सा हाथ पे लेना है, अच्छे से आपको ऐसे ये करना है, पूरा मलना है और पूरे बाल में आप ऐसे 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 करके लगाओ तो आपके बाल, सीरम का आपको जरूरत ही नहीं है, हमको डायरेक्ट ये सीरम मिल रहा है, तो इस तरीके से हम सीरम का काम ले सकते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे पोस्टर में, पिक्चर में दिख रहा होगा, ये सारे मेरे गंजे लोग हैं, ठीक है, तो इनके बाल बिफोर, ये मेरे हैं, हाँ ये मेरे जिनको मैंने ट्रीटमेंट किया, कुछ कुछ लोगों को चुनके डाला है, औरतें तो अपनी पिक्चर नहीं देती, ज्यादातर यहाँ पर दुबई में सब लोग स्कार्फ में रहते हैं, तो बहुत कम औरतें हैं जो अपना पिक्चर देती है, तो इसमें ये सारे मेरे गंजे हैं, देखिए चकचक गंजा है बीच में जो है ना, सुभाष करके, और ये मेरा बहुत ही अच्छा टेस्टिमोनियल है, और जब मैं दुबई में ट्रीटमेंट बताती हूँ तो ये सारे मेरे दुबई के ही है, वो लोग खड़े रह के स्टेज पे आते हैं, फिर वो लोग भी बताते हैं, तो लोगों को पता चलता है प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, गंजे के सर पे बाल आ गए, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग इजीली बता सकते हैं। औरतें मेरी इंडिया में भी बहुत सारी जगह है जिनके बाल गिरने के बंद हो गए, नए बाल भी आना शुरू होंगे, जब ये ट्रीटमेंट शुरू करोगे तो 3rd ट्रीटमेंट में ही आपके फॉलिंग है स्टॉप हो जाएंगे, एंड आप कुछ टाइम के बाद देखोगे तो नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, नए बाल आना शुरू हो जाएंगे, वो बाल आपके स्ट्रांग होंगे, वो बाल आपके मजबूत होंगे, उसको कोई कितना भी खींचेगा तो वो नहीं निकलेंगे, सही है, तो ये वाला हमारा ट्रीटमेंट है बालों के लिए, फॉलिंग है ट्रीटमेंट, इसके लिए आपको प्रोडक्ट खाना जरूरी है, खाने के लिए कमी नहीं करना है, मशरूम, स्पिरुलिना, मोरंजी जरूरी है, अगर किसी का पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो स्पिरुलिना हमको बहुत जरूरी है, बिकॉज मल्टी विटामिंस, जिन चीजों की कमी आपके अंदर में है उन चीजों की कमी को ये पूरा करता है, तो ये हमको देना जरूरी है ताकि वो खाएंगे और उनको मजबूती अंदर से ही मिलेगी, तो ये हमको पड़ोस खाने के लिए देना है, और लगाने के लिए आपको मैंने ट्रीटमेंट बताया, नेक्स्ट इसमें हम दिखाएंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कैसे टॉवल को लगाना है, कैसे टॉवल को इस्तेमाल करना है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। बट दो क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं,
वो भी मैं साथ में लेके आता हूँ, बहुत शॉर्ट में आप उसका आंसर दीजिएगा मैम। एंड फर्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन है, हम जैसे आपने सभी बेबियों के बारे में बताया, सभी बेबियों स्किन पे यूज कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन ऐसा आया कि मसाज ऑयल भी यूज कर सकते हैं क्या? और उसके साथ में एक और क्वेश्चन है कि स्किन ऑयली स्किन का बहुत प्रॉब्लम बहुत से लोगों को होता है, स्पेशली इंडिया के अंदर, ये ऑयली स्किन के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक मसाज ऑयल हम यूज कर सकते हैं क्या स्किन के अंदर, और दूसरा ऑयली स्किन के लिए हम क्या सोल्यूशन दे सकते हैं? सुजेश, ये ऑयली स्किन फेस के लिए उन्होंने कहा, बालों के लिए नहीं कहा, ठीक है? बालों के लिए, बाल भी होते हैं, हाँ, बहुत सारे लोगों के, सुजेश को ब्यूटी क्वेश्चंस नहीं पता इसलिए बालों में इसको लेके आया। तो बालों स्किन पे हमारी क्यों ऑयली होती है? क्योंकि हम पानी वगैरह भी कम पीते हैं, बहुत सारे लोगों की स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है, तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? जब हमारे प्रोडक्ट्स हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके ऊपर पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे तो आपकी स्किन का जो ऑयलपन है वो कम हो जाएगा, और उसको हमको क्लेंस करते रहना। जैसे मैंने सोप का बताया कि हाँ, एक टाइम आप सोप पिए यूज कर रहे हो तो उसके लिए भी आप ये, फिर मैं एक ट्रीटमेंट आपको और बताऊंगी, क्योंकि ये बीच में क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन लोगों ने जो भेजे उसके क्वेश्चन आ गए, लेकिन हमारे पास हमारा एक और ट्रीटमेंट भी है एलोवेरा का, दिस इज गुड फॉर पिंपल स्किन, जिनके ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन ऑयल को आपको कम करने के लिए आपको क्लेंस करना पड़ेगा, आप एक बार या दो बार करते हो तो आपको तीन या चार बार आपको स्किन को क्लेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल आपका निकलते रहेगा नोज पे, बहुत सारे लोगों को नोज पे पता चलता है ऑयल, और जिनके मुंह पे पिंपल्स है उनका पिंपल्स स्किन ऑयली होता है। मैं थोड़ा सा टाइप ऑफ स्किन बताऊंगी, क्योंकि ये बीच में एक क्वेश्चन है, ये ऐसे ही होता है, जब क्वेश्चन आते हैं ना तो बीच में कुछ ना कुछ आ जाता है, तो ये भी हमको बताना जरूरी है कि हमारे स्किन के टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है? ऑयली स्किन होता है, ड्राई स्किन होता है, और कॉम्बिनेशन स्किन होता है, जिसका फेस, चेहरा जिसका ऑयल, मतलब ऑयल जिसका नजर आता है, ऑयल नजर आना मतलब पिंपल्स नजर आती है, या आप ये देखिए पिंपल्स वाला चेहरा है यहाँ पर, या क्रैक्स होते हैं किसके मुंह पे, बहुत सारे स्किन ड्राई हो जाती है तो क्रैक्स भी पड़ जाते हैं बहुत सारे लोगों को, और बहुत मुश्किल हो जाता है उसको संभालना, जब ठंडे का मौसम होता है ना तो क्रैक्स आ जाते हैं चेहरे पे, तो उसको संभालना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमारे पास हमारी स्किन टाइप हमको पता होना चाहिए, और ये स्किन टाइप ब्यूटिशियंस को पता होती है, ठीक है? ज्यादातर जिन्होंने कोर्स किया है अच्छे से, जैसे हम लोग शहनाज हुसैन का मैंने डिप्लोमा किया तो मुझे स्किन टाइप हम लोग को कैसे करना है वो भी मालूम पड़ा, जैसे मैंने अभी टावल का स्टीम का बताया वो भी हम लोग को वहीं पता चला, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे, मेरे पार्लर में भी बहुत सारे मेरे पास वो स्टीमर्स रखे, लेकिन जब मैं ये ट्रीटमेंट करती तो वो नहीं, स्टीमर से नहीं करती, मैं टावल वाला ही देती। तो हम लोग जब कोर्स करते हैं तो हमको ये सारी चीजें हमको पता चलती है, स्किन टाइप पता चलती है कि कॉम्बिनेशन स्किन कैसी किसकी होती है, जब हम स्किन सामने से देखते तो हमको पता चलती है इसकी स्किन कॉम्बिनेशन है, इसकी स्किन ऑयली है, इसकी स्किन ड्राई है, वो पता चल जाता है। तो पार्लर्स वालों को तो सबको पता होगा, लेकिन जो मेरी बहनें, जो मेरी सिस्टर्स जो देख रही है, जो नई है, जिनको इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं आज वो क्वेश्चन भी आपका क्लियर कर लेती हूँ। ऑयली स्किन, आप जिसका पिंपल स्किन देखोगे, जिसके मुंह पे बहुत सारी पिंपल्स है, दाने मुहासे है, तो वो ऑयली स्किन होता है। अब ड्राई स्किन जिसका होता है, देखना बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रिंकल्स होते हैं, लाइन 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 नजर आती है, यहाँ पर लाइन नजर आती है, और स्किन उनका जब देखेंगे हम तो लगेगा कि यार इसका स्किन तो बहुत ड्राई लग रहा है, तो दैट इज ड्राई स्किन। और कॉम्बिनेशन स्किन में आप इजीली आप वो कर सकते हो, आपका ये टी जोन जो है, ये टी जोन बोलते हैं इसको, ठीक है, ये वाला, तो ये टी जोन जो है, ये वाला पार्ट है जो आपका, वो आपका शाइन होगा, बाकी ये सब नॉर्मल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है? ये पार्ट आपका जब टी जोन आपका जब शाइन होगा, इसका मतलब आपका स्किन कॉम्बिनेशन है। तो ये आप इस तरीके से आप पता कर सकते हो किसका स्किन कैसे है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए हमारा, मैं जो यूज करती हूँ यहाँ पर, हमारे पास एलोवेरा का हमारा क्लेंजर, आपके पास क्लेंजर है इंडिया में, आपके पास नहीं, यहाँ तो सारी दुनिया देख रही, लेकिन जिसके पास एक क्लेंजर है ऑयली स्किन के लिए, मैं कहूंगी कि ये क्लेंजर यूज करें, ठीक है? अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसको कैसे ये करेंगे, ठीक है? सुजेश, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया ऑयली स्किन वगैरह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम डार्क स्किन के ऊपर है, डार्क सर्कल के ऊपर है, जरा आपके डार्क सर्कल्स पे। हाय, गुड मॉर्निंग रोशनारा, आई एम निवेदिता फ्रॉम पुणे। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू दैट हाउ टू रिमूव डार्क सर्कल्स, प्लीज लेट मी नो। ओके ओके, थैंक यू। तो इनका क्वेश्चन है डार्क सर्कल्स के ऊपर, डार्क सर्कल्स को हम कैसे हटाएंगे। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी कि मैं जब बताती हूँ पिंपल्स के लिए हमको गनोजी टूथपेस्ट यूज करना है, पिंपल्स के लिए हम ये टी ट्री क्रीम यूज करना है, मॉस्किटो बाइट वगैरह के लिए,
तो लोगों ने कहा कि जब मैडम ने कहा कि इसको पिंपल्स के लिए लगाओ तो क्यों नहीं हम आंख के नीचे लगाए, और बहुत सारे लोगों ने, मैं तो सुजेश ने कहा भी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी कंट्रीज घूम चुकी हूँ और इंडिया में तो चप्पा चप्पा छान लिया है बोलेंगे तो भी चलेगा, एवरी सिटीज कंट्रीज सब जगह मैं गई हूँ इंडिया में। तो मैं अंबाला गई हुई थी एक बार, मेरा मीटिंग था वहां पर, तो एक लड़का ऐसी मेरी मीटिंग के बाद आके मुझे मिला, लोग आके क्वेश्चंस करते ना, पूछते रहते क्या है ये, तो वो लड़का आके मुझे पूछने लगा, बोलने लगा मैडम टी ट्री क्रीम तो आप बता रही थी कि किसी चीज में मिक्स करके लगाओ, लेकिन मुझे तो मेरे अप्लायन ने कहा कि इसको आप डायरेक्ट अपने पिंपल्स में भी लगा सकते हो और आंख के नीचे भी लगाओ। तो बेचारे के डार्क सर्कल्स थे तो उसने बेचारे ने आंख के नीचे लगा दिया इसको, और उसी वक्त उसका स्किन जो है यहाँ का फट गया पूरा, लाइंस लाइंस एंड बाकायदा उसमें से खून नजर आ रहा था, एंड उसी टाइम उसको हुआ था, तो वो थोड़े से रेडिश अपने को वो लाइंस नजर आती ना, वो नजर आ रही थी मुझे, तो बोला कि ये मुझे कहा तो मैंने ये लगाना शुरू किया, दैट इज रॉन्ग, ये नहीं, जैसे कभी कभी बताता ना कि ये डार्क सर्कल्स के लिए चीजें, तो उन चीजों को हटा देना है, डार्क सर्कल्स के लिए नहीं लगाना है, इसको मैंने आप लोगों को बताया कैसे लगाना है, किस चीज के साथ मिला के लगाना है चेहरे पे, तो उसी तरीके से, लेकिन डार्क सर्कल्स के लिए हमको ये चीज नहीं लगाना है। हमारे पास बहुत ही अच्छा है, अभी तक हमारे पास कुछ बहुत सारी चीजें आने वाली है, आ रही है, डार्क सर्कल्स के लिए भी सीरम्स वगैरह आएंगे हमारे पास, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारा जो प्रोडक्ट है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको मैंने इस्तेमाल किया, लोगों को बताया इसको कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे पास बेस्ट थिंग है हमारा गैनो ऑयल, ठीक है, मसाज, गैनो मसाज ऑयल, डॉक्टर लिम ने गैनो मसाज ऑयल दिया था एथराइटिस पेन के लिए, गैनो मसाज ऑयल अभी तक उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो एथराइटिस पेन वगैरह के लिए दिया हुआ था, तो मैडम क्या बोरी, बालों में भी लगाओ और आप डार्क सर्कल्स के लिए भी यूज कर सकते हो, तो इट इज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाम ऑयल है और हमारा राजा महाराजा भी है इसके अंदर, जैनोडर्मा, ठीक है, इसको मेरे को पहले ही दिखाना चाहिए तो लेट हो गया, चमक रहा है ना मेरे चेहरे की तरह, या मेरा चेहरा उसकी तरह चमक रहा है, सही है, तो ये हमारा राजा है हमारे पास में, हमारे हाथ में है, इस राजा को डॉक्टर लिम ने सब में परसेंटेज के हिसाब से डाला गया, तो हमारे गैनो ऑयल में भी परसेंटेज के हिसाब से हमारा राजा भी है अंदर, और उसके साथ में हमारा पाम ऑयल है, पाम ऑयल इज गुड फॉर स्किन एंड बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। जब ये ऑयल को मैंने यूज करना शुरू किया, मैंने कहा चलो मैं पहले अपना बालों का ही ट्रीटमेंट करके देखूं, बालों को कितना फायदा होता है देखूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2-3 दिन में ही इसका रिजल्ट मिल गया जो मैंने ट्रीटमेंट करके किया, तो फिर मैंने उसको लोगों को दिखाना शुरू किया, और मुझे खुशी होती है कि मैं आप लोगों तक पहुंच रही हूं, आप लोगों को सही तरीके से बता रही हूं। हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो प्लीज प्लीज आप लोग इसको डुप्लीकेट करो, ये नहीं कि रोशन आरा मैडम बता रही तो उनका फॉर्मूला हम क्यों यूज करें, करना है, क्योंकि लोगों ने अगर ये गलत तरीके से बता दिया तो आपको नुकसान हो सकता है, और जब आपको नुकसान होगा तो उस लड़के ने कहा कि मैडम मैंने इसको फेंक दिया, जब मुझे ये मैंने किया और मेरे को ये हुआ तो मैंने फेंक दिया, मेरे घर वाले बहुत मुझे डांटने लगे, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, अगर तरीके से आप इस्तेमाल करोगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये वाला जो गैनो ऑयल है 2-3 ड्रॉप अच्छे से शेक करना है पहले, ठीक है, क्योंकि हमारा गैनोडर्मा नीचे बैठ जाता है, पाउडर जो है तो नीचे हो जाता है, ऑयल ऊपर आ जाता है, तो हमको इसको अच्छे से शेक करना है बॉटल। अगर ठंडे का सीजन है तो आप इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में रख सकते हो, या गर्म पानी में, मग में गर्म पानी लेके, ग्लास में गर्म पानी लेके वो बॉटल रख सकते हो, तो खुल जाएगा थोड़ा, और फिर उसको अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद 2-3 ड्रॉप सिर्फ हमको हाथ पे लेना है, और इसको हमको लेके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमको आंखों पे मसाज करना है, इस तरीके से, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमको आंखों पे मसाज करना है, और ये वाला मसाज है, ये भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी आपको, मेरी एक साथी है जो मेरे साथ हमेशा रहती है, कुछ लोगों को मालूम होगा, हंस रहेंगे मुस्कुरा रहेंगे, उसी को लेके आऊंगी मैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो कोई ऐसे मिलते नहीं है जिसपे हम प्रैक्टिस करें, तो उसको इस तरीके से, ये वाला हमारा जो पफिनेस होता है आंखों के नीचे उसके लिए ये मसाज है, ठीक है, ये वाला मसाज है हमारा, ये फिर ये हमारा, तो ये रिलैक्सिंग मसाज होता है, इसको इस पे बॉल पे भी ऐसे हमको ये करना है, ये रिलैक्सिंग हमारा मसाज होता है, तो डार्क सर्कल्स के लिए हमको गैनो ऑयल से मसाज देना है, और हम लोग के पास तो बहुत ही अच्छा और चीज है, आप गैनो टी है ना यूज करते हो गैनो टी, लेकिन जब उबालते हो पानी और उसके अंदर गैनो टी डालते हो तो उसको जब छानते हो उसके अंदर शुगर नहीं हमको डालना है, जब उबालते हैं पानी को टी डालते हैं तो
तो उसको हमको ये नहीं करना है, शक्कर नहीं डालना है, विदाउट शुगर हमको उसको बॉयल करना है। बॉयल होने के बाद उसको ढांक के रखना है, स्टीम में पकाना है, और जब आप छानोगे तब जो चाय की पत्ती आपको मिलेगी उसको हमको फेंकना नहीं है, उसको हमको यूज करना है। उसको हमको आप एक कॉटन का कपड़ा लोगे, जो मलमल का सॉफ्ट कपड़ा होता है उसको लोगे। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर टी बैग्स है, तो हम लोग टी बैग्स यूज करते हैं तो हम उसको फेंकते नहीं है। गैनो टी की आपके पास टी बैग्स है, ग्रीन टी और मसाला टी, मसाला टी मत रखना आप पे, ओके, दैट इज रॉन्ग, तो वो नहीं रखना है, और ग्रीन टी भी नहीं रखना है। हमारा जो गैनो, ये जो टी पी रहे हो उसको हमको यूज करने के बाद वो लेना है, मलमल के कपड़े पे आप रख के उसको पोटली बनाना है, उसको फ्रिज में रखना है। जब फ्रिज में रखोगे वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसको फिर आपको लेके आंखों पे रखना है। बहुत सारी कंट्रीज में चाय नहीं है, बेचारे लोग चाय नहीं पीते हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ पर चाय नहीं है, कॉफी है, तो कॉफी से कुछ नहीं कर सकते, तो हम अपनी चाय को यूज कर सकते हैं। उन लोगों के लिए मैं ट्रीटमेंट दिखाऊंगी, ककुम्बर के स्लाइस काटना है, पोटेटो के स्लाइस काटना है, और उसको आप अपने आंखों पे रखो तो आपको ठंडक भी महसूस होगी, आप लोग बहुत अच्छा फील करोगे। जब हम अपना टी बैग्स रखते हैं ना, क्यों अपना टी बैग्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे टी में हमारा राजा है, ठीक है, तो ये राजा हमारे आंखों को बहुत मतलब आराम देता है। जब आप ये बैग रखोगे अपने आंखों पे तो आपको खुद ब खुद अंदर से लगेगा कि मुझे बहुत अच्छा कुछ फील कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है, ठंडक महसूस होगी, और अंदर से ऐसा लग रहा है कि गर्मी आपके खींच के निकाल रहा है, और ये आपके डार्क सर्कल्स को फायदा करेगा। लेकिन इसके लिए आप लोग बोलोगे मैडम बार बार वही चीज लेके आती है, आपको ये खाना जरूरी है। जब तक ये नहीं खाओगे आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, आपके अंदर खून की कमी है वो पूरी नहीं हुई, एनेमिक अगर डॉक्टर ने बोला मतलब खून की कमी, और जो बंदा एनेमिक, आप किसी के आंख के नीचे डार्क सर्कल देखोगे उसको आप अपने से अंदाज लगा के बताओ कि यू आर एनेमिक, आप एनेमिक हो, आपके अंदर खून की कमी है, आपको स्पिलिना खाना जरूरी है। 500 कैंडीज की बॉटल मत दो स्टार्टिंग में, छोटी वाली बॉटल दो। आप इंडिया में 360 की है, हमारे यहाँ 500 की है, तो वो नहीं दो, आप 120 वाली बॉटल दो पहले। अगर वो 8-10 दिन वो खा लेगा स्पिलिना या खा लेंगी तो उसको खुद ब खुद अपनी बॉडी में ताकत महसूस होगी और उसको लगेगा कि हाँ मेरे ऊपर बहुत असर कर रहा है। तो ये हुआ हमारा डार्क सर्कल्स का, और इसको कितनी बार करना है, आप डेली कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको कितनी बार करना है क्या करना है, आप इसको डेली कर सकते हो, डेली आप मसाज करो जब तक आपके डार्क सर्कल्स खत्म नहीं होते। क्योंकि जब हम मसाज करते हैं ना तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऐसे भी हो जाता है, और जब हम मसाज करते हैं तो हमारे हाथ की गर्मी से तपीस से भी उसको ये होने लग जाता है, फायदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस व्यूअर्स भेज रहे हैं, सो आप लोग अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। अगर इस शो में अगर हम पूरा नहीं पूछ पाए तो हम नेक्स्ट शो में डेफिनेटली आपको पूछेंगे। ये 3 क्वेश्चन और बाकी है, हो सकता है उसमें आपके आंसर्स मिल जाए, जो आप पूछ रहे हैं आंसर्स मिल जाए, हो सकता है मिल जाए। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑन द स्क्रीन। नमस्कार, माझे नाव सौ सोनाली संदीप केतकर आहे, मी एक ब्युटिशियन आहे, मी आपले डीएक्सएलचे प्रोडक्ट्स वापरते, ते खूपच खरंच छान आणि एनर्जेटिक आहे। माझा एक प्रश्न आहे तुम्हाला, आपली त्वचा तजेल उत्तेजित बनवण्यासाठी आणि स्क्रबिंगसाठी आपण काय वापरू शकतो? इट्स गुड क्वेश्चन, ठीक आहे। स्क्रब के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो स्क्रब के लिए हमारे पास स्क्रब हमारे पास है, हमारे पास आया है, आप लोगों के पास नहीं है लेकिन है ना, हमारे पास स्क्रब है। हम तो हमारे पास नहीं था तो हम पहले हम वही यूज करते थे जो स्क्रब हमारे पास है वो, क्योंकि हमारे पास भी नहीं था। ये मैंने पपैया स्क्रब यहाँ पर बता रही हूँ, हमारे पास अभी आया है वो, ठीक है, पहले नहीं था। और हमारे पास जैसे एलोवेरा का स्क्रब है, ये हमारे पास नहीं है, दुबई में नहीं है, अभी कहीं कहीं आ रहा है, ये पाकिस्तान में अभी लॉन्च हुआ है एलोवेरा का स्क्रब, तो स्क्रब हमारे पास नहीं है, उसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन पपैया स्क्रब इज वेरी गुड, हाँ बहुत ही अच्छा है, आपकी स्किन को वाइटनिंग भी देता है और स्क्रब भी बहुत अच्छे से करता है। नहीं है तो कोई गम नहीं, ठीक है, डरना नहीं है, हमको स्क्रब तो करना ही करना है, हमारे पास तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है। पार्लर वाली, अभी पार्लर से आप बात करी थी कि मैं पार्लर की लेडी हूँ, मराठी में बात करी थी, मना मराठी समझते हो, छान
तो मराठी में बात करी थी वो, तो बहुत सारे लोगों को समझाने होगा जो बाहर से देख रहे हैं, उन्होंने पूछा डार्क सर्कल्स के लिए हम लोग क्या, ये इसके लिए स्क्रब के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास हमारे दो चीजें बहुत ही अच्छी है, कोकोजी एंड लाइट कॉफी। इंडिया में लाइट कॉफी थी, अभी नहीं है, कोई बात नहीं। जो भी आपके पास कॉफी है, दूध की मिक्स है मिल्क के साथ, कौन सी कॉफी है मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा इंडिया में, तो जो भी आपके पास कॉफी, ब्लैक कॉफी से नहीं करना है। जब ब्लैक कॉफी से आप स्क्रब करोगे तो आपका स्किन खुद ब खुद ब्राउन और डार्क नजर आ जाएगा। जिसमें सुजेश कौन सी कॉफी है वहां पर, लाइट कॉफी कौन सी है, लाइट कॉफी कौन सी है इंडिया में? थ्री इन वन कॉफी हमारे पास है, थ्री इन वन, एंड क्रीम कॉफी भी है ना कुछ, क्रीमर एक वाइट जीनो कॉफी है। हाँ, जीनो कॉफी से भी कर सकते हो, ठीक है। हमको ग्रैन्यूल्स चाहिए उसके अंदर, शुगर के कुछ दाने चाहिए हमको, तो वो अभी पार्लर वाली लेडीज अगर करेंगी तो आप अपने पार्लर में अगर इसका स्क्रब करने जाओगे तो आप क्लाइंट्स को हम कैसे पटा सकते हैं, पटाना मतलब बताना उनको कि आप, आपका स्किन पे आपको कौन सा आप स्क्रब लेना चाहोगे, आपको चॉकलेट स्क्रब चाहिए या आपको कॉफी इसका खुशबू का स्क्रब चाहिए, कौन सा अरोमा का स्क्रब चाहिए, वो आप पूछ सकते हो। तो अगर कॉफी स्क्रब कहा तो हमारी जो भी कॉफी आपके पास है, क्रीम कॉफी जो भी है, उससे आप स्क्रब दे सकते ताकि उसको कॉफी का अरोमा उसके अंदर जाए, उसको लगे कि मेरा मसाज कॉफी से हो रहा है। आप ये पैकेट खोल के डाल के नहीं देना है, आप एक बॉक्स में निकाल के रखना है, जो सलून वाली लेडीज है, बॉक्स में इसको पूरा निकाल के रखना और फिर पानी स्प्रे करना है चेहरे पे और उसको हमको इस तरीके से लगाना है और फिर पानी में डीप हाथ करके फिर मसाज करना है हमको, तो ये हमारा स्क्रब हो जाएगा। नोज पे ज्यादा करना है, अच्छे से फोर्सली करना है क्योंकि यहाँ पर ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स होते हैं, यहाँ पर चिन पे होते हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है। अब जिनको पिंपल्स है उनको स्क्रब करोगे तो गालों पे भी पिंपल्स होते हैं, लेकिन वहां पर हल्के हाथ से करना है क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा होता है ना बहुत डेलिकेट होता है, हमारे जो टिश्यूज है फेस के वो बहुत डेलिकेट टिश्यूज होते हैं, तो उनको हमको बहुत ज्यादा जोर से करके हार्म नहीं करना है, बहुत स्लोली स्मूथली उनको करना है। तो इस तरीके से हम अपना स्क्रब कर सकते हैं कॉफी के जरिए। एंड किसी ने बोला मुझे चॉकलेट वाला चाहिए, चॉकलेट तो आजकल बहुत लोग चाहते हैं, तो किसी ने कहा मुझे कोको का चाहिए, तो ये कोको वाला स्क्रब आप दे सकते हो, इससे भी आप वही इसी तरीके से करके आप स्क्रब दे सकते हो। फिर आप चेहरे को क्लीन करना है, लगाने के बाद आप इसको छोड़ सकते हो, इसको लगाने के बाद स्क्रब करने के बाद हमको वॉश नहीं करना है, इसको छोड़ दो। जब आप स्क्रीन पे छोड़ दोगे अपने तो फिर आपका स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगा, एज अ मास्क का काम भी करता है, टू इन वन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो उसको आप छोड़ दो, आपका स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा आपने मास्क लगाया है। फिर 10-15 मिनट के बाद उसको वॉश करके फिर आपको अगर चाहिए तो आप क्लेंजर, आपके पास है एलोवेरा का क्लेंजर तो वो लगा सकते हो, या आपके पास इसका क्लेंजर है गैनोजी स्किन केयर का क्लेंजर है तो वो लगा सकते हो, या फिर सोप से कर सकते हो, सोप से भी आप क्लेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं उसमें आपको बाहर की कोई चीजें यूज नहीं करना है। अभी देखिए मैं ऑल टुगेदर अपना डीएक्सन प्रोडक्ट्स के बारे में ही आपको बता रही हूँ, मैंने कोई बाहर की चीजें यूज की नहीं, आपको यही चीजें यूज करना है, इसी को आपको अपने चेहरे पे लगाना है तो आपका स्क्रब भी हो जाएगा। तो फेशियल, जब हम फेशियल बताएंगे तब हम बताएंगे आपको कब स्क्रब करना है, कब क्लेंजर करना है, क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना स्क्रब कर सकते हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? यस मैम, आई थिंक एक क्वेश्चन ये आया था कि एलोवेरा के क्या बेनिफिट्स हैं, आपने अपने पीपीटी में भी इसको ऐड किया है, तो इन शॉर्ट में मैम बता सकते हैं एलोवेरा के क्या बेनिफिट्स हैं? जी 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 जी, तो वो क्वेश्चन ही हमारा ना एलोवेरा के ऊपर या ड्राई स्किन पे, ऑयली स्किन पे जो था क्वेश्चन जो हमारा था उसी का आंसर है ये, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एलोवेरा हमारा बहुत ही अच्छा है। एलोवेरा मेरे यहाँ पर एलोवेरा के ट्रीज लगाए मैंने, काफी सारे ट्रीज, बल्कि मैं उसमें से काट काट के लोगों को देते रहती, पूछती हूँ लोगों की खराब होने से अच्छा मैं किसी को दो कितना मैं यूज करूंगी। तो इट इज गुड फॉर हेयर ऑल्सो, रियल एलोवेरा जो होता है, और स्किन के लिए भी, और बहुत जल्दी बढ़ता है। आप अपने घर में लगा लो, जो डीएक्सएन के मेंबर है ना, आप अपने घर में सब लोग एलोवेरा के प्लांट्स लगाना, फिर मुझे एक एक पिक्चर निकाल के भेज देना, ठीक है, कितने लोग लगा रहे, प्लांटिंग कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छा है, मेरे यहाँ पर तो काफी बालकनी में पूरा वो बढ़ते जाती जड़े तो काफी लगे हुए हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से हम लोग यूज कर सकते हैं अपने स्किन पे, और हमारे पास तो इंडिया में तो ये आपके पास क्लेंजर है, ठीक है। तो दिस इज गुड फॉर ऑयली स्किन, ऑयली स्किन को हमको ये क्लेंजर देना है एलोवेरा का, उसको लगा के हमको अच्छे से मसाज करना है, पानी स्प्रे करना है, उसको लगा के हमको मसाज करना है और फिर उसको छोड़ना नहीं है।
बहुत सारे हमारे स्क्रब, अभी मैंने जैसे सोप का आपको कहा आप लगा के छोड़ दो, लेकिन एलोवेरा का जो क्लेंजर है उसको लगा के छोड़ना नहीं है। दिस इज मैंने कहा ना ये गुड फॉर ड्राई स्किन, क्योंकि स्किन जिसकी ड्राई ऑयली स्किन है उसको ड्राई करता है, इट्स गुड फॉर ऑयली स्किन, ये ऑयली स्किन के लिए ज्यादा अच्छा है। तो जो ऑयली स्किन है उसको ये ड्राईनेस पे लाता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो इसको हमको लगा के छोड़ना नहीं, सोप को आप लगा के छोड़ सकते हो। क्यों सोप को लगा के छोड़ सकते हो, मैंने यही कहा ना कि हमारे पास हमारे सोप में हमारा किंग ये बैठा हुआ है, किंग बैठा हुआ है, किंग है इसके अंदर, गैनोडर्मा है। तो गैनोडर्मा जितना आपके चेहरे पे रहेगा उतना हील करेगा आपके जो जख्म वगैरह है सबको, ठीक है। लेकिन ये आपको ऑयली स्किन के लिए लगाना है, इसको लगा के आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये सारे मेरे सामने बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कभी कभी, एक तो हमारे अभी तक शारजा में है उनका स्किन अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है, क्योंकि हमको जब बताया जाता है उस तरीके से अगर हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। इसको हमको अप्लाई करना है और वॉश करना है, अच्छे से मसाज करो नो प्रॉब्लम, आप 5 मिनट मसाज करो नो प्रॉब्लम, लेकिन जब लगाओगे तो उसको फौरन हमको वॉश करना है, उसको स्किन पे छोड़ना नहीं। क्योंकि हमको नहीं पता है किसका, ब्यूटिशियंस को पता है लेकिन जो नॉर्मल पीपल है जो नॉर्मल लोग है उनको नहीं पता है कि किसका स्किन ड्राई है किसको ऑयली है। तो जब लगाने बोलते और छोड़ देते तो जिनका ड्राई स्किन होता है ना उस पर ज्यादा ड्राइनेस आ जाता है और फिर ये हो जाता है स्किन स्ट्रेच होता है, स्किन पे काले धब्बे आ जाते हैं। तो छोड़ने के बाद तो हमको छोड़ना नहीं है, इसको डरना नहीं है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, लेकिन हमको स्किन टाइप देख के हमको लोगों को बताना है। तो ऑयली स्किन वालों को आप ये दे सकते हो, फिर उसके साथ में हमारा स्क्रब भी है, हमारा ये भी है। मैं नेक्स्ट जब बताऊंगी आपको इसके बारे में तो मैं घर में मास्क कैसे बनाते वो बताऊंगी। इंडिया में स्क्रब और मास्क नहीं है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ टू डू स्क्रब विथ अवर एलोवेरा, वो मैं पूरा निकाल के आपको उसमें से एलोवेरा निकाल के कैसे लगाना है, एज अ मास्क कैसे इस्तेमाल करना है और एज अ स्क्रब कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगी। तो आप इजीली घर में इसको कर सकते हो। और पाकिस्तान में अभी स्क्रब आ चुका है तो आप लोग पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको भी बताना चाहूंगी कि आप स्क्रब को अच्छे से लगा दें क्योंकि बहुत ही अच्छा है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो इसको कर सकते हो। और स्क्रब के लिए मैंने कॉफी का ट्रीटमेंट आपको दिखाया। तो एलोवेरा का क्लियर हो गया आपका डाउट जो था। फिर आपके पास हमारे पास में हैंड एंड बॉडी लोशन भी है एलोवेरा का, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। हम जब बाथ लेते हैं नहाते हैं और हम बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जब क्रीम सनब्लॉक वगैरह हमारे पास नहीं है तो बहुत सारे लोग ये भी लगा के धूप में जाते हैं। अब धूप में ये लगा के जाने के लिए मैंने मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला वो दिखा रही हूँ। इसको हमको हाथ पे लेना है, उसके अंदर हमारे पास बहुत ही अच्छा हमारा टैल्कम पाउडर है, ठीक है, उसको थोड़ा सा डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। आप अपने चेहरे पे और हाथ पे लगा के आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। उतना सनब्लॉक का वो नहीं काम करेगा लेकिन ये भी कर सकते, सनब्लॉक का ज्यादा काम करेगा हमारा टूथपेस्ट एंड शेवी ऑयल वाला जो बताई ना वो फार्मूला। और अगर इसको भी लगा रहे हो लगा के जा रहे हो तो इट्स ओके। और आप घर में नहाने के बाद अगर घर में हो तो आप अपने हाथों पे पैरों पे इसको लगाओ, ये बहुत ही अच्छा हैंड एंड बॉडी लोशन है, इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक सुजेश आ गया है तो मैं बताना चाहूंगी, पाउडर हमारा टेल्कम पाउडर बहुत कम लोग यूज करते हैं, इट इज गुड फॉर गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है। और जिनके शूज से स्मेल आती है, जैसे हस्बैंड घर में आए तो आने के बाद शूज उतारते तो बहुत ही हम लोग को इरिटेशन होता है, ठीक है, तो उनके लिए मैं एक अच्छा फॉर्मूला बताऊंगी। आप जब हस्बैंड के सॉक्स शूज रेडी करके रखते हो तो उनके सॉक्स के अंदर ये पाउडर डाल के रख देंगे टेल्कम पाउडर, ठीक है, तो जब वो सॉक्स पहनेंगे तो उनको बहुत अच्छा फील होगा क्योंकि पूरा दिन शूज पहन के बाहर जाते तो जनरली स्मेल तो आएंगी आएंगी, तो उसको जब वो पहनेंगे तो उनको ड्राइनेस अंदर लगेगा। और पाउडर वैसे भी लगाते तो ठंडा ठंडा कूल कूल है ना, तो हमारे पास कूलिंग इफेक्ट है ये, तो वो जब पहनेंगे तो उनको कूल लगेगा और जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना वो नहीं होगा, पैरों में जब पसीने से इन्फेक्शन होना शुरू होता है वो नहीं होगा। तो ये चीज आप इजीली कर सकते हो, तो टेल्कम पाउडर को यूज करना शुरू करें, बहुत सारे लोग लेते नहीं है इसको, ले लीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम चंद्रशीला है, मैं मुंबई से हूँ, मैं स्टार रूबी हूँ और मेरा आपसे ये सवाल है, त्वचा को हाइड्रेट करने के लिए डिएक्शन प्रोडक्ट के उपयोग से कोई फेस मास्क है क्या? थैंक यू मैडम। थैंक यू।
अपने पास अपना मास्क तो नहीं है. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन हो गए, इसलिए जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारा जो एलोवेरा का मैंने कहा ना, मैं बताऊंगी एलोवेरा का मास्क कैसे बनाना है, क्या करना है. दैट इज गुड फॉर डिहाइड्रेट स्किन जिसकी होती है. पानी ज्यादा से ज्यादा पीना बहुत जरूरी है. स्पिलिना अगेन आ गया, बोलेंगे क्या मैडम जब भी देखो स्पिलिना की बॉटल उठा के बता रही. दिस इज ऑल्सो, ये भी बहुत ही अच्छा है. पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है. चाय का मैंने बताया, चाय जैसे बना के पीना है, स्टीम में पका के बॉटल बना के. आप जहां पर भी जा रहे आप पानी की बॉटल मत ले जाओ, आप यही बॉटल उठा के ले जाओ, जो पानी जो चाय का पानी जो है उसी को आप. मैंने तो बहुत बार देखा है जब मेरी मीटिंग में लोग आते तो पानी की बॉटल में मैडम हमने ऐसी चाय की पत्ती डाली और लेके आ गए. वो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उबाल में डालोगे ना तो ज्यादा उसका इफेक्ट आएगा. ठीक है, उबालना हमको इसलिए नहीं है कि उबालते टाइम हमको पत्ती इसलिए नहीं डालना है कि जब हम उबालते टाइम डालेंगे तो जो अरोमा का जो इसका हमारा जो इसका ये है गैनोडर्मा का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा. तो गर्म पानी में नहीं हमको करना है, उसको पानी गर्म करने के बाद बंद करके उसके अंदर डाल के ये चाय का पानी जितना पियोगे उतना आपका डिहाइड्रेशन खत्म होगा. आपको क्रीम्स वगैरह लगाते रहना है, और क्रीम्स के साथ में आप अभी एलोवेरा का पूरा रेंज नहीं है तो आप चेबी ऑयल लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा है. नहा के आने के बाद भी चेबी ऑयल आप अपने चेहरे पे लगाओ, और थोड़ा सा अगर गनोजी टूथपेस्ट डालते हो तो कूलिंग इफेक्ट आएगा, और आपके स्किन पे अगर कुछ रैशेस वगैरह है वो भी सही हो जाएंगे. तो ये हमारा, और ट्रीटमेंट मैं बाद में दिखाऊंगी वो, क्योंकि मुझे सुरेश ने कहा हमारा बाद में फिर से होने वाला है तो मैं ट्रीटमेंट के बारे में आप लोग को बाद में बताऊंगी. तो ये मास्क मेरा दूसरे और एक क्वेश्चन पे है, ये मास्क है सुजेश, मास्क का क्वेश्चन आ रहा है सुजेश, सही है. और एक क्वेश्चन इसके बाद, इसके बाद एक और क्वेश्चन है वो भी मैं आपके दिखा देता हूँ एक बार. जी जी, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम कीर्ति सिंह है, मैं न्यू बॉम्बे से स्टार एजेंट हूँ. एंड मेरा सवाल ये है कि सभी प्रकार के त्वचा के लिए, नियमित चेहरे के लिए कौन से रिएक्शन उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है. थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. फेशियल के लिए जनरली फेशियल रूटीन, अगर फेशियल करना है, रूटीन फेशियल करना है जी. सुजेश अपने पास वहां पर इंडिया में गनोजी स्किन केयर नहीं आया है ना? स्किन केयर अभी आया नहीं है, अभी आया नहीं है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले भी है, लेकिन हम स्किन केयर से हमको कैसे करना है. चलो स्किन केयर नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, अभी मैंने इतनी सारी चीजें बताई आपको. हम लोग यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट जो दिखाती हूँ हमारे स्किन केयर से कैसे करते हैं, गनोजी स्किन केयर का क्लेंजर टोनर और मॉइस्चराइजर, ये चीजें हमारे पास है. लेकिन अभी मैंने इतना सारी बातें की उसमें हम लोग को क्लेंजर भी मिला, स्क्रब भी मिला, सब कुछ मिला, उसके साथ हमको मास्क कैसे बनाना है. मास्क के लिए जो चीजें चाहिए वो हमारे पास है. ठीक है, एलोवेरा का मैं जब मेरा नेक्स्ट होगा उसमें मैं बताऊंगी एलोवेरा का मास्क आप कैसे घर में बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. लेकिन डेली यूज के लिए डेली भी हमको फेशियल नहीं करना है. फेशियल हमको एज ऑफ 20 के बाद स्टार्ट करना है, 20-25 के बाद स्टार्ट करना है. पहले से आप इतना स्किन को ज्यादा मसाज वगैरह मत दो, क्योंकि देखो हम जब अभी हम पार्लर में जाते हैं, यंग लड़कियां जब जाती है तो बहुत सारे पार्लर वाले होते हैं जो कमाना चाहते हैं वो बोलते हैं नहीं आपको फेशियल जरूरी है. नहीं, उनको फेशियल जरूरी नहीं होता है. जो टीनएजर्स है उनको क्लेंजर करना जरूरी होता है, हाउ टू क्लेंज योर स्किन. ठीक है, तो आप घर में भी कर सकते हो. अगर पार्लर में जाके करते हो तो पार्लर वालों को यही बोलना है कि मुझे क्लेंज करना है स्किन को, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फेशियल नहीं चाहिए, क्योंकि टीनएजर्स को फेशियल इज नॉट गुड. जितना आप मसाज करोगे आपकी स्किन बहुत जल्दी सैगी हो जाएगी, तो आपको नहीं करना है. 20-25 के बाद आपको फेशियल्स करना है, वो भी फेशियल 28 डेज में, या बहुत ओल्ड है बहुत बूढ़े हैं वो महीने में दो बार कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारा प्रोडक्ट मास्क के लिए मैं बताऊंगी आपको. तो क्लेंजर मैंने बताया आपको कि अपना क्लेंजर आपके पास एलोवेरा का क्लेंजर है, उससे भी क्लेंज कर सकते हो आप. ठीक है, या अपने सोप से क्लेंज कर सकते हो. जिसके पास, जिस कंट्री में प्रोडक्ट्स नहीं है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, जिनके पास है वो लोग क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, जिस कंट्री में नहीं है वो लोग सोप से भी क्लेंज कर सकते हैं चेहरा, और अपना एलोवेरा से भी क्लेंज कर सकते हैं. क्लेंज करने के बाद आप चेहरे को ये करें, वॉश करें, फिर उसके बाद आप स्टीम दे सकते हो, अगर स्टीमर है आपके पास तो दे सकते हो. लेकिन आजकल कहा जाता है स्टीमर इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर स्किन, लेकिन स्टीम भी लेना जरूरी है. अगर आजकल जो कोरोना फैला हुआ है तो हम लोग स्टीम जो लेते हैं
तो हमारे ब्लॉक्स वगैरह भी खुल जाते हैं, ठीक है। दिस इज गुड फॉर, इसके लिए भी, चेस्ट के लिए भी अच्छा है। तो स्टीम ले लीजिए आप। स्टीम लेने के टाइम पे जिनको पिगमेंटेशन है, थोड़ा सा कॉटन रोज वाटर में मिला के कॉटन रख दीजिए आप वहां पर, ताकि आपका जो जला हुआ जो पिगमेंटेड स्किन है उसको हार्म नहीं हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको कॉटन रखना है रोज वाटर में, ये करके वैसे रख के भी स्टीम ले सकते हो आप, या फिर आप गर्म पानी, अच्छा हॉट वाटर लो, उसमें टॉवल छोटा सा नैपकिन डुबा के उसको भी आप स्टीम कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, ये सारे तरीके मैं आप लोगों को इजी करके बता रही हूँ, ताकि आप एक घर में होम पार्लर भी खोल सकते हो। होम पार्लर के लिए मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, मेरे बहुत सारे कोर्सेज भी हो चुके हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरीके से आप, हो गया आपका भी ये स्टीम हो गया। स्टीम के बाद आपको वही मैंने बताया, जिसके पास स्क्रब नहीं है, हमारा कॉफी या हमारा कोकोजी, उससे अच्छे से स्क्रब कर दीजिए आप चेहरे को पूरा। स्क्रब करने के बाद आप थोड़ी देर से चेहरे को वॉश कर दीजिए। पार्लर में अगर आपको ज्यादा क्लाइंट का टाइम लेना है तो आप थोड़ा थोड़ा देर का गैप दे दे के कर सकते हो, ताकि क्लाइंट को लगे मेरा बहुत ही अच्छा फेशियल वगैरह हो चुका है। उसके बाद हमारे पास हमारा मास्क बनाने का तरीका है, गैनो ये पाउडर इंडिया में भी पाउडर आ चुका है, ठीक है। अगर आरजीजीएल का पाउडर है तो नहीं, तो एक आरजी एक जीएल आप लोगे, इसके अंदर खोल दोगे, डाल दोगे, उसके अंदर आपको स्पिलिना, आपके पास तो कैप्सूल्स है तो कैप्सूल्स को खोल के डाल दो, हमारे पास नहीं है। जिनके पास कैप्सूल्स नहीं है वो इसको पाउडर करके लेंगे स्पिलिना को, ठीक है, कैंडीज को पाउडर करके लेंगे। और जिसके पास कैप्सूल्स है तो वो इजी वे है, कैप्सूल्स को खोल के उसके अंदर डाल देना है। और उसके अंदर फिर हमारा नोनी जूस, दिस इज स्किन टॉनिक, ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। बहुत सारे लोगों को पिंपल्स वगैरह के लिए हमारा ये मोरंजी जूस इज बेस्ट, ठीक है। तो जिनको पिंपल्स है उनको ज्यादा से ज्यादा पीने बोलना है, जितना ज्यादा पियेंगे उतना पिंपल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसको चेहरे पे लगाना भी है, बालों पे भी लगाना है, ठीक है, बालों के लिए भी आप लगा सकते हो, इट इज गुड फॉर हेयर ऑल्सो। इसको हमको एक चम्मच इसमें डाल देना है और अच्छे से मिलाना है। और कोकोजी, जिसका स्किन ये है ड्राई है, उसके अंदर कोकोजी डालना है। जिसका स्किन ऑयली है या जिसके स्किन पे पिंपल्स है, तो हमारा जो ब्लैक कॉफी है उसको थोड़ा सा डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, स्किन को ब्लैक करेगा। और अच्छे से मिक्स करके उसको हमको चेहरे पे पूरे लगा देना है। और अब स्ट्रोक्स करना है ऊपर की तरफ, मसाज वगैरह हम नेक्स्ट इसमें दिखाएंगे। ये होता है ना कि हम जो ट्रीटमेंट दिखाते, बहुत सारी लोग कंपनी ऐसी होती ना, नेक्स्ट में बताएंगे आपको करके। तो हमारा भी, मैं भी वही चीज करी, नेक्स्ट में आपको बताएंगे ऑयल मसाज वगैरह कैसे करेंगे फेशियल के लिए, ठीक है। लेकिन मास्क लगाने का तरीका यही है, ये सारी चीजें आप अच्छे से मिक्स करो, चेहरे पे लगा दो। 15-20 से 25 मिनट आप अपने चेहरे पे छोड़ दो मास्क को, वो टाइट करेगा। उसके बाद आपको वॉश करना है। वॉश करने के बाद यही, आपके पास अगर मॉइस्चराइजर है तो वो लगाना है, ये लगाना है। अगर ये नहीं है तो आप वही शैबी ऑयल एंड टूथपेस्ट को मिला के लगा दो और आप बाहर जा सकते हो। ये आपका फेशियल इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मास्क बनाने का तरीका बताई, आप बाद में प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। हाँ सुजेश। ओके मैम, एंड थैंक यू। आपने बहुत ही, जितने भी ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जो जनरली बहुत सारे ऐसे लोग, क्योंकि आजकल ब्यूटी का, क्योंकि अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है तो सब बहुत सुंदर और बहुत वाकई में सब लोग बहुत सुंदर हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि इवन डार्क स्क्रीन स्किन वाले भी बहुत दिखने में बहुत सुंदर सुंदर लोग अपने को देखने को मिलते हैं। बट कई बार ऐसे छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं ड्यू टू जो आजकल हमारा जो फास्ट फूड है और जो अपना लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से ये सब पिंपल्स ही जो छोटी छोटी चीजें आ गई हैं। और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो नेचुरल ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कोई हार्म भी नहीं है, उस चीज को कैसे यूज करके अपने को एक हेल्दी स्किन और शाइनिंग स्किन बना के रख सकते हैं, वो आपने बहुत अच्छे से बताया मैम। एक कमेंट्स में एक दो क्वेश्चन आए तो उसमें एक क्वेश्चन मैं जरूर आपको अभी पूछना चाहूंगा मैम। एक लेडी ने ये बोला है कि मेरे जो बच्चा है वो जब अभी 16 साल के ऊपर हो चुका है, तब तक तो जब 16 साल का था तब तक तो वो बहुत अच्छा फेयर था, बिल्कुल क्लीन स्किन था, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे उसका स्किन थोड़ा थोड़ा डार्क होता जा रहा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाह रहा है, ऐसा क्यों या उसके लिए कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं क्या?
ये डार्क क्यों होता है पता है, क्योंकि बच्चे लोग आजकल गेम्स खेलने के लिए जाते हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो धूप जो गिर रही, जो रेजेस जो हमारे चेहरे पे गिर जाते हैं, जो शुआएं जो बोलते हैं ना, सूरज की शुआएं किरने जो होती है वो हमारे चेहरे पे लगती है, तो उसकी वजह से भी होता है। और कभी कभी सुजेश ये भी होता है ना कि सही चीजें हम नहीं खाते, इंटेक नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि हमको पौष्टिक चीजें नहीं मिलती, हम लोग को विटामिन मिनरल्स वगैरह जो चाहिए हमारे बॉडी को वो नहीं मिलते। और आजकल के बच्चे देखो, कोई फिश नहीं खा रहा है, कोई मटन नहीं खा रहा है, कोई चिकन नहीं खा रहा है, सब्जी वेजिटेबल्स भी नहीं खा रहे हैं, सलाद नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स कुछ खाने बोलोगे बेटा ये एप्पल लेके जाओ साथ में ये खाओ, तो नहीं खाते बच्चे लोग, इसमें बहुत सुस्ती करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे स्किन पे ये सब चीजें हो जाती है, ब्लैकनेस डार्कनेस आ जाता है। तो उसके लिए हमको वही स्पिरिना की बात करूंगी, बच्चों को अगर टीनएजर्स है तो उनको कोकोजी जरूर देना, कोकोजी इज गुड फॉर मेमोरी पावर और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। और ये जरूरी नहीं बच्चों को दो, ये बड़े बूढ़ों को भी, मैं खुद लेती हूँ। अब आप लोग बोलोगे इतनी एज के बाद भी मैडम का मेमोरी इतना शार्प है, अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड शार्प रहे, दुआ करना सब मेरे लिए ओके। तो सब लोग यही बोलोगे कि मैडम का मेमोरी इतना शार्प है, इतना अच्छे से याद रह रहा है, क्यों याद रह रहा, क्योंकि मैं कोकोजी लेती हूँ, ठीक है। और कोकोजी के साथ हमारा जो लायंस मेंस है दैट इज गुड फॉर मेमोरी ऑल्सो, तो दैट इज ऑल्सो आई एम टेकिंग। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स डॉक्टर लिम के लिए मैं बोलूंगी लोगों को कि जितनी उनके लिए दुआ करोगे आप, जितना उनके लिए प्रेयर करोगे वो कम है, बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने जो चीज हमको दी है उससे बढ़ के कोई चीज नहीं है हमारे पास। इतनी अच्छी चीजें हमको मिली है, वन बाय वन करके आई है हमारे पास, लेकिन लोगों को इतना फायदा दिया, इतना अच्छा, मतलब रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। मैं तो समझूंगी कि मैं इतने लोगों को जो चीजें दे रही हूँ, मैं दुआओं में तैर रही हूँ लोगों के, जिन लोगों को फायदा हुआ बहुत सारे। मैं आगे एक क्वेश्चन आने वाला है तो उसका मैं जवाब दूंगी टेस्टिमोनियल्स के बारे में, तो मैं बताऊंगी। तो दिस इज गुड फॉर, ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, बूढ़े लोगों के लिए भी अच्छा है। बूढ़े लोगों को जिनको जल्दी जल्दी इम्यून पावर उनका कम होते जाता है, उनके लिए बेस्ट है ये, बच्चों के लिए बेस्ट है। अब किस एज को दे, बहुत सारे लोग बोलते कौन से बच्चों को दो, किस बच्चों को दे, तो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है तब से लेके जो बूढ़ा आदमी है वो भी ले सकता है हमारा प्रोडक्ट सारा ऑल ओके। तो ये वाला भी, माँ के पेट में बच्चा वो कैसे लेगा, जब माँ लेंगी दूध पिएंगी, दूध में ये डाल के लेंगी, माँ जब ये खाएंगी तो बच्चे को ऑटोमेटिकली जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके बच्चे को मिलते जाएगा क्वाड के जरिए, ठीक है। और जो बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद भी माँ को तो एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, माँ को फीड देने के लिए, दूध के लिए ताकत चाहिए, तो उसके लिए भी हमारा स्पिरिना एंड दिस इज वेरी गुड। तो ये आप बच्चों को तो जरूर दो। जो बच्चे का स्किन के बारे में बात कर रहे हो, स्किन टैन हो जाता है, उनको हमको स्पिरिना और ये जरूर देना है उन बच्चों को, तो अंदर से जो ताकत मिलेगी ना उससे भी फायदा होगा। और फिर टैन स्किन के लिए जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया वो आपको ट्रीटमेंट करना है, जब वो खेलने बाहर जा रहा है तो वही फिर से अगेन चेबीओल एंड टूथपेस्ट लगाओ और उनको बाहर भेजो खेलने के लिए, नो प्रॉब्लम, उनके स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है सुजेश। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड अभी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं पूछूंगा क्योंकि टाइम अपना आगे बढ़ता जा रहा है। एंड रैपिड फायर क्वेश्चंस, ओनली दो क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत सभी लोगों से पूछता हूँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, डेफिनेटली हमें सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, उनमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट या सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट मेरा या आपका? मेरा या सबका? आपका। अच्छा मेरा, मैं तो सारा प्रोडक्ट, मेरे घर में तुम आके देखोगे ना हर कोने कोने में हर चीज पड़ी हुई है, ठीक है। डाइनिंग टेबल पे सब फूड सप्लीमेंट्स है, मेरा वॉशरूम पूरा भरा हुआ है, बल्कि सोप के स्टिकर्स भी लगा के मैंने पूरे वॉशरूम में लगाए ताकि पता चले डीएक्सन घर ही है। तो मैं ज्यादा मेरा स्विलिना, ठीक है। एंड कॉफी तो अभी तुम देख रहे हो, अभी ये मेरा एक कप खत्म हुआ, अभी मैं उठने के बाद फिर से दूसरा कप लूंगी, तो कॉफी एंड स्पिरिना ये मेरे लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। बाकी मैं मशरूम वगैरह मेरा मॉर्निंग में हो जाता है, लेकिन ये मैं एक दो बार दिन में लेती हूँ क्योंकि ये मुझे एनर्जी देता है एंड दिस इज गुड फॉर लेडीज। और भी इंसान ने हमारा ये हुआ है, आप लोग सब लोग दिए होंगे, डोनेट किए होंगे, बहुत ही अच्छा हमारा प्रोग्राम चला हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि सारे लोग जिन्होंने नहीं डोनेट किए, आप लोग $1 कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो अगर हमारी तरफ से उनको जाता है, डॉक्टर लिम ने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये किया है, तो आप उसके लिए, और ये लेडीज के लिए बेस्ट है, मैं चाहूंगी हर लेडीज को शुरू करे लेने के लिए। और जिस नई लेडी से आप बात करते हो उसको जरूर ये देना, जब वो ये लेंगी, इट इज गुड फॉर लेडीज,
पीएस प्रॉब्लम के लिए, डायबिटीज वगैरह के लिए, आपका अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बच्चों के लिए तो बेस्ट है ये, लड़कियों के लिए, टीन एजर्स, यंग लड़कियों के लिए बेस्ट है। अभी से आप अगर देना शुरू करोगे तो उनकी अगली लाइफ बहुत अच्छी गुजरेंगी। मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी को भी मैं ये दे रही हूँ, शी इज प्रेग्नेंट, उसको भी मैं दे रही हूँ, 20 से 25 खाती हो, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए इट्स वेरी गुड। जो माँ फीड देती है बच्चों के लिए उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं बोली इतनी अच्छी, इतनी किंग हमारे हाथ में इतना अच्छा है तो उसको हम क्यों नहीं यूज करें। तो ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। देन माइकोवेजी वगैरह ये तो सब मैं लेते रहती हूँ, सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट। तुम मुझे फेवरेट प्रोडक्ट्स के बारे में मत पूछो सजेशन, मेरा और प्रोडक्ट्स। और मैं एक बार मैं डॉक्टर लिम से मिली थी मलेशिया में, तो मैंने, मुझे बुलाया गया था वहां पर अपना प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मैं उनसे मिली तो मैंने कहा कि डॉक्टर अगर मेरा ये वेन काटेगा ना कोई तो उसमें से एक एक खून का जो कतरा निकलेगा ना उसमें से डिएक्शन 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 ही निकलेगा क्योंकि इतना बच चुका है मेरे बॉडी में। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू मैम। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, वो भी बिल्कुल रैपिड फायर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर। बेस्ट टेस्टिमोनियल, आपने 11 साल हो गए डिएक्शन में, सो सबसे बेस्ट टेस्टिमोनियल आपको कौन सा लगा? हाँ, बेस्ट मतलब सुजेश, बेस्ट तो मेरे लिए सारे टेस्टिमोनियल्स मेरे बेस्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लॉट्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे बहुत। और मैं समझती हूँ कि सच में इतना अच्छा प्रोडक्ट हमको मिला, यहाँ हमको डॉक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं। आई एम नॉट डॉक्टर, जब मुझे लोग डॉक्टर बोलते हैं ना, चलो हाँ ब्यूटी की डॉक्टर हूँ चलो बोलेंगे चलेगा, लेकिन डिएक्शन प्रोडक्ट्स के बारे में जब डॉक्टर बोलते हैं ना तो मुझे नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक कुछ दिया है, भगवान ने मुझे कुछ ऐसा चीज दिया है कि मुझे ऐसा लगता है मैं सबकी हेल्प करूँ। एंड व्हेन आई प्रेयर, नमाज पढ़ती हूँ मैं, जब किसी को देती हूँ प्रोडक्ट तो मैं उसके लिए जरूर दुआ करती हूँ कि मुझे इसके लिए जरिया बनाया अल्लाह, बस उसको फायदा हो। तो आई हैव लॉट्स ऑफ माई टेस्टिमोनियल्स, मेरे 47 केसेस है जो प्रेगनेंसी जिनको नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रेगनेंसी हुई, बच्चे हुए, 47 केसेस माई केसेस हैं, मैं और किसी के नहीं आपसे शेयर कर रही हूँ। लास्ट स्टेज कैंसर अल्हम्दुलिल्लाह है प्रोडक्ट्स, दिस इज नॉट मेडिसिन, हमको ये मेडिसिन बोल के नहीं देना है, दिस इज फूड सप्लीमेंट्स ओनली, यही बोल के देना है। थायराइड पेशेंट्स अच्छे हुए, शुगर पेशेंट्स काफी काफी, स्पेशल बच्चे, एबनॉर्मल बच्चे जो होते हैं स्पेशल, मेरे 6 केसेस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर इन चीजों के बारे में अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है, कोई सवाल करने चाहते हैं, तो मैं आपको इनबॉक्स, मेरे इनबॉक्स में आप क्वेश्चंस कर सकते हो जो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लोगों को बहुत फायदा हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और वाकई में बहुत सारी यूजफुल चीजें आपने हमारे साथ शेयर किया। एंड जाते जाते एक होम केयरिंग मैसेज, एक शॉर्ट मैसेज आपकी तरफ से। क्या मैसेज? एनी शॉर्ट मैसेज सभी वुमन लीडर्स के लिए। शॉर्ट मैसेज तो मेरा यही इसमें हो गया, मैं बोली ना हेल्प हेल्प पीपल, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट्स, देन शेयर द प्रोडक्ट्स, और टेस्टिमोनियल आप होने चाहिए, आपको किसी ने देख के बोलना चाहिए कि हाँ आप क्या यूज करते हो। मैं नानी लग रही हूँ, मैं नानी बनने जा रही हूँ, ठीक है, सास बनी, बेटे की शादी हुई, बेटी की शादी हुई, अब नानी बनने जा रही हूँ। मुझे लोग देखते तो बोलते नहीं है कि तुम सास मतलब नानी बनने जा रही हो, प्रोडक्ट्स बहुत इफेक्टिव है। चले सुजेश ने ये डाल दिया है, ये आप देख सकते हो, मी एंड माय हस्बैंड, तो मेरे हस्बैंड अभी हमारे बीच में नहीं है, 10 साल हो गए वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन ये जब हम, मैं मतलब ये सब पे ये चीज नहीं आए, लेकिन आज का दौर ऐसा चला हुआ है, आज का जमाना ऐसा चला हुआ है कि एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती है। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके अगर घर को चलाना चाहते हो और अच्छी तरीके से चलाना चाहते हो, बेस्ट एजुकेशन बच्चों को देना चाहते हो, बेस्ट घर लेना चाहते हो, बेस्ट आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, वो तो हर एक सोचता है कि मैं अगर कुछ करूंगी, मैं अगर कुछ मेहनत करूंगी तो मेरा ये सारा स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो टच उड अगर मेरे हस्बैंड अगर मुझे इसमें नहीं पुश करते, नहीं उसमें मुझे बोलते ना हस्बैंड के पीछे एक मतलब वाइफ के पीछे हस्बैंड का ये हाथ होता है, लेकिन मैं समझती हूँ मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ने की ये दी, सलाहियत दी, और उनके जिंदा थे तभी उन्होंने मुझे बहुत सराहा, यही कहा कि तुम जो कर रही बहुत अच्छा है, ना कभी शक ना कभी, बहुत लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड। तो मैं अभी तक मैंने इनकी तरह किसी को नहीं देखा, तो ही इज वेरी गुड, मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे, ठीक है।
तो उनके जाने के बाद सोचो मेरा हाल क्या होना चाहिए। लेकिन मेरे पास डीएक्सएन था तो मैं ना घबराई, और डीएक्सएन मैनेजमेंट, डॉक्टर लिम, मिस्टर गनी, मिस्टर फातमी गनी, और दुबई डीएक्सएन मैनेजमेंट इज वेरी गुड, सलीम, शाबी, सेबास्टियन, जीजी और मैथ्यू सर, और सारे लोगों ने मुझे इतना मतलब हाथों हाथ लिया ना कि मैं वो चीज़ भूल नहीं सकती। अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं आज कहाँ होती, इंडिया में आके बैठती, कर सकती थी कि नहीं। लेकिन यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें की, तो ये मेरा ये है, आपने देखा मेरा मेरा मेरे बच्चे की एजुकेशन पूरी हुई। जब मेरे हस्बैंड का देहांत हुआ तब मेरे हस्बैंड बच्चे मेरे बैंगलोर में बेटा था, बेटी मलेशिया में पढ़ रही थी, वो लोग की एजुकेशन कम्प्लीट हुई, वो लोग वापस आ गए। अब घर था, हस्बैंड ने घर की बुनियाद डाल के गए बॉम्बे पूना हाईवे पे। मैं पूना वालों को और बॉम्बे वालों को इनवाइट करती हूँ, मैं जब आऊंगी वहां पर तो जरूर मेरे बंगलो में आना आप लोग, ठीक है? तो एक बंगलो है मेरा बॉम्बे पूना हाईवे पे एनआरआई के लिए, तो वहां जरूर आ जाना। मेरा घर पूरा हुआ लास्ट ईयर दिसंबर, जनवरी एंड फेब में मेरे दोनों बच्चों की शादी हुई, इसी साल दोनों बच्चों की शादी हुई। थैंक गॉड शादी हो गई और लॉकडाउन हो गया तो शादी भी हो गई बच्चों की, एंड अभी मैं नानी बनने जा रही हूँ। तो दिस इज द लाइफ, और मैं चाहूंगी कि हर औरत अपने घर के लिए सब कुछ होती है। होम मिनिस्टर औरत को ही कहा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हस्बैंड को पूछेंगे और करेंगे, नहीं, आप जब बोलोगे हस्बैंड से तो हस्बैंड जरूर मानेंगे। आप घर की चीजें लाते हो, आप घर में चीजें भरते हो, सामान सब कुछ, तो आपको अगर ये प्रोडक्ट अच्छा मिल रहा है तो आप पूरे घर का प्रोडक्ट यूज करो, उसके बाद आपकी फैमिली का प्रोडक्ट यूज करो, नेबर्स का प्रोडक्ट यूज करो, पूरी दुनिया का प्रोडक्ट यूज करो। यही हमारा बिजनेस है, इसी से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे खुशी होती कि मैं पूरी दुनिया घूम रही हूँ। हर औरत को ख्वाहिश होती है ना, हर एक को ख्वाहिश होती है कि मैं दुनिया की सैर करूँ, तो यही हमको डीएक्सएन से मिलता है। डॉक्टर लिम के लिए सारे लोग दुआ करो, और हमारे बेस्ट, मैं तो परदादा कहती हूँ वासुपालिया और रत्ना वासुपालिया और प्रोफेसर वासुपालिया को, तो वो हमारे दादा दादी है, ठीक है? तो सोचो वो हमारे ऊपर है, तो वो हमारे लिए कितना वो करते हैं। और आजकल आरवीसी का जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें तो काफी चीजें हो रही है, और आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, इट इज वेरी गुड। तो इतने अच्छे लोग हमारे साथ में, तो हमको डर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा खाओ और फैलाओ, लोगों तक पहुंचा दो उसको, ठीक है? Okay, thank you so much for a wonderful message. And मैं सभी viewers का thank you देना चाहूँगा कि सभी लोगों ने देखा, और मैं चाहूंगा कि सब लोग अपने टीम में इसको डुप्लीकेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सकें।